हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू प्रोग्राम क्रैश कोर्स इन नीट माई सेल्फ अंजनी कुमार उत्तम टीम फिजिक्स सी एल सी सी क्रैश कोर्स के इस कम्प्लीट प्रोग्राम में फिजिक्स <coughs> में बेसिकली हमने पूरे सिलेबस को टेन यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया है और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं यूनिट मेजरमेंट वैक्टर वन डी टू डी एंड रिलेटिव मोशन को इंक्लूड किया है और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट एंड मेजरमेंट को कवरअप करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है देखो फिजिक्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, physics को लिखना है हमें राइट तो आ, कुछ क्वांटिटीज को हमें इंक्लूड करना पड़ता है जैसे आ, आपने किसी की लेंथ मेजर करनी है राइट आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ओके और इस ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ मेजर करनी है राइट तो लेंथ ऑब्वियसली आप जो है वो मीटर सेंटीमीटर फुट में मेजर करोगे है ना कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ठीक है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी जैसे वेलोसिटी है जैसे एक्सेलरेशन है राइट right? किसी ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया है तो उसके लिए पुश के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा जो क्वांटिटी है वो डिफाइन करना पड़ेगा जो जनरली हम यूज करते हैं फोर्स राइट right? तो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में फिजिक्स <coughs> के लॉज को फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए हमें Uh, उनको इंक्लूड करना पड़ता है राइट ठीक है जैसे लेंथ होगी वेलोसिटी हो गया मास uh, हो गया ठीक है टाइम हो गया तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनसे हम फिजिक्स को समझ पाते हैं राइट right? एक फील करना एक अलग चीज़ है लेकिन उसको मैथमेटिकली आपको लिखना है तो लिखने के लिए आपको डेफिनेटली इन क्वांटिटीज की नीड पड़ेगी ज़रूर पड़ेगी राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं हम यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ तो फिजिकल क्वांटिटीज चलिए ठीक है मास है वेलोसिटी है फोर्स है एक्सेलेशन है बहुत सारी क्वांटिटीज हैं ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ, लेकिन उन फिजिकल क्वांटिटीज को आपको लिखना है राइट तो लिखने के लिए आपको यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड यूनिट राइट जैसे इसमें बेसिकली जो फेमस जो सिस्टम्स हैं यूनिट के वो तीन सिस्टम्स हैं बेटा एफ पी एस सी जी एस एम के एस एंड एस आई ठीक है एफ काफ़ी पुराना सिस्टम है यूनिट्स का और इसमें बेसिकली मास को लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंक्लूड किया गया है ठीक है फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वान्टिटीज जिनसे आप दूसरी क्वांटिटीज को बना सकें ठीक है फॉर्म कर सकें ठीक है डिराइव क्वांटिटीज बना सकें बेटा उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर इंक्लूड करते हैं जैसे जैसे कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखना होता है आपको राइट तो आप एल्फाबेट सेलेक्ट करते हो ना ठीक है एल्फाबेट्स की हेल्प से ही आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को लिख पाते हो kind of तो रिप्रेजेंट uh, किया जाता है को, तो फुट जो है ठीक है तो ये यूनिट डिफाइंड है पाउंड जो है वो मास के लिए डिफाइंड तो है, है करेक्ट और जो सेकंड है वो टाइम के लिए डिफाइंड है ठीक है ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो लेंथ मास uh, और टाइम के लिए डिफाइंड है ठीक है बेसिकली ये ब्रिटेन में यूज़ होता था आ, पुराने टाइम में और फिर सीजीएस uh, सीजीएस uh, जो है वो फ्रेंच में यूज़ होता है है ना? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर किसके लिए लेंथ के लिए लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं मास uh, को मेजर करना होता है तो हम ग्राम में यूज करते हैं और टाइम uh, को जब भी मेजर करना होता है तो उसको सेकेंड में मेजर करते हैं तो बेसिकली लेंथ के लिए सेंटीमीटर मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड हम यूज करते हैं और फिर आया एम के एस एम के एस मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड तो मीटर मतलब लेंथ के लिए मीटर किलोग्राम मतलब मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकेंड हम यूज करते हैं बेटा ठीक है और इसमें फिर लास्ट में जो अपग्रेडेड जो वर्जन आया एम के एस का विच इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल एस आई तो एस SI आई को हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि मेनली जो जितने भी जो यूनिट्स जो डिफाइन की गई हैं आजकल के टाइम में वो एस SI आई के अंदर ही डिफाइन की जाती हैं ठीक है तो एस SI आई हम बाद में आगे पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वर्जन फैक्टर जो है वो आपको पता होना चाहिए तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे कि बताइए इसको एफपीएस में जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी जैसे वन फुट बेटा जो है वो 0.305 मीटर के इक्वल होता है वन एल बी राइट वन पाउंड की बात करें एल बी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0.454 पॉइंट फोर फाइव फोर के जी वन सेंटीमीटर इज टेन टू द पावर माइनस टू मीटर एंड वन ग्राम इज टेन टू द पावर माइनस थ्री के जी तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स जो है वो आपको मालूम होने चाहिए तो जैसे आपको अगर ये दे दिया जाए कि एक सपोज एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ जो है वो टू फुट है बेटा राइट right, तो टू फुट है तो बताइए जरा इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी मतलब मीटर में कितने किसके इक्वल होगी तो मीटर में अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए बोले तो हमें पता है कि वन फुट जो है वो जीरो पॉइंट थ्री जीरो फाइव मीटर के इक्वल है तो अगर ये टू फुट है तो बेटा तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी जीरो पॉइंट थ्री जीरो फाइव राइट इंटू में टू तो ये मीटर में इसके इक्वल आप इसको मल्टीप्लाई करके मीटर में लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो ओके चलिए अब हम बात करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में तो ये बेसिक इसी को ही डिस्कस करना है हमें ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ओके सिस्टम इंटरनेशनल तो सिस्टम इंटरनेशनल में सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया है सेवन ठीक है जिसमें सबसे पहला है मास सेकंड है लेंथ ओके थर्ड है टाइम फोर्थ है टेम्परेचर देन इलेक्ट्रिक करंट देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास आप जानते हो सब राइट right? मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा के के अंदर लेंथ <coughs> को हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे राइट right? टाइम को हम सेकेंड में इसका सिंबल है एस एस से रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर टेम्परेचर को हम कैलविन से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के और इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला से रिप्रेजेंट करेंगे एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इसको सब से रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स हैं तो जब भी आ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखना होगा राइट right? तो उसके लिए इन सिंबल्स की हेल्प लेके हम उस क्वांटिटी को लिख सकते हैं बेटा तो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज राइट बेस बेसिक क्वांटिटीज हैं ये और इन्हीं क्वानिटीज से हम दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं बेटा ठीक है ये हमारे सिस्टम इंटरनेशनल जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ना उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अल्फाबेट्स का काम करेंगे और इन्हीं से ही हम दूसरी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो ये तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं राइट इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं जब भी आपको एंगल मेजर करना हो तो एंगल के लिए बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी देखते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स फर्स्ट इज अ प्लेनर एंगल एंड सेकेंड वन इज अ सॉलिड एंगल ओके प्लेनर एंगल तो प्लेनर एंगल मतलब कोई भी लाइन या कोई भी कर्व है वो कर्व किसी पॉइंट पर 2D में जो एंगल सबटेंड करता है ना दैट इज कॉल्ड प्लेनर एंगल लेट्स से दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क इज एल राइट एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क इज आर सो एंगल प्लेनर एंगल इज डिफाइंड बाय थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ओके यार आर्क इज एल एंड रेडियस इज आर सो दिस इज कॉल्ड प्लेनर एंगल ओके प्लेनर एंगल को बेटा रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो उसके लिए हम रेडियन यूज करते हैं रेडियन वर्ड यूज करते हैं ठीक है सिंबल में आर एडी आप यूज कर सकते हो तो एक प्लेन में जो एंगल सब्टेंड होता है

करेक्ट ओके okay. ये सरफेस है और ये सरफेस बेटा इस पॉइंट थ्री डायमेंशनली जो एंगल सप्टेंड करेगा ठीक है ये वाला दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल थ्री डी के अंदर जो एंगल सप्टेंड कर रहा है ना ये वाला सरफेस, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल अब सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किया जाए किससे किया जाता है जनरली हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ये वाला एरिया जो सरफेस का चाहिए को, upon, और इस से जो हो की, r, तो ए बायर सो सॉलिड एंगल को इस वे से रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन इसमें कंडीशन है ये जो एरिया मैंने लिया है ना यहां पर इस सरफेस के मतलब कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट से अगर आप ओ को मीट करोगे किसी लाइन से तो उस लाइन की लेंथ कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए ठीक है मतलब ये जो आर मैंने लिया है यहां पर ये यह आर सब पॉइंट से क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए राइट सो ओमेगा इज इक्वल टू ए बायर तो जैसे आर्क की बात करें आप तो आप क्या करोगे सेंटर से कोई भी डिस्टेंस लेकर के तो आर रेडियस का एक सर्कल ड्रो कर दोगे राइट right? तो वो जो आर्क बनेगा आर्क से किसी भी पॉइंट से अगर आप पॉइंट ओ को मीट करोगे बेटा तो वो डिस्टेंस सेम रहेगी ना बराबर रहेगी इक्वल रहेगी दैट इज कॉल्ड रेडियस

सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं ठीक है जो अभी अभी मैंने आपको बताई वो ध्यान रखनी है आपको और ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं, ये भी आपको माइंड में रखनी है और इन्हीं से ही आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर लिखना है तो इन्हीं की हेल्प से आपको लिखना पड़ेगा राइट चलिए आगे चलते हैं डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी तो इसके साथ ही हम डायमेंशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं बेटा ठीक है डायमेंशन क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जैसे मास है है ना तो कहीं पे भी अगर आपको के लिखा हुआ मिले ठीक है मास के तो के को हम सिंबोलिकली किससे रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ठीक है के जी ऑब्वियसली मास की यूनिट है तो कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपको मीटर कहीं नजर आए राइट right? ठीक है मीटर मीटर किसकी यूनिट है लेंथ की यूनिट है तो उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे है ना सेकंड की बात करें तो सेकंड ऑब्वियसली टाइम की यूनिट है बेटा टाइम की यूनिट है दैट मींस उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे टेम्परेचर नजर आए ठीक है टेम्परेचर नजर आए कैलवी नजर आए राइट तो इसको सिंपली हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अलावा करंट की बात करें ठीक है तो करंट को हम यूनिट में भी एम्पियर से डिनोट करते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो उसमें भी हम सिंबल उसका कैपिटल ए ही यूज़ करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें अच्छा ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपने पढ़ी हुई हैं सबके सब मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ठीक है एंड ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है ठीक है फिजिक्स में भी के टी जी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ही इसका काफ़ी यूज़ होगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वैसे आप इलेवंथ और ट्वेल्थ के अंदर आप इस पार्ट को नहीं देखोगे नहीं आ, ये चीज़ नहीं आएगी आपके सामने ठीक है लेकिन फिर भी ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनका आपको ध्यान रखना ही रखना है ठीक है लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका भी वाइडली यूज है ये सिक्स जो क्वांटिटीज है ना इनको आप बार बार फिजिक्स के अंदर इलेवंथ से ट्वेल्थ मतलब जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे बेटा सब चैप्टर्स के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ठीक है लेकिन ये वाला पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो एम्पियर के लिए करंट के लिए ए टेम्परेचर uh, के लिए कैलविन के से रिप्रेजेंट कर देंगे टाइम को अगर बात करें सेकंड कहीं पे भी नजर आए तो टी से रिप्रेजेंट करेंगे और मीटर कहीं नजर आए तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे के जी uh, कहीं नजर आए तो कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और अमाउंट ऑफ सब्सटांस नजर आए तो उसको हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा ठीक है तो मैं अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा देखो <laughs> देखना जैसे आपको सपोज uh, डेंसिटी को डिफाइन करना है ठीक है तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है राइट मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मीटर क्यूब और मास की बात करें तो के जी तो डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या आएगी के जी पर मीटर क्यूब राइट तो ये तो होगी इसकी यूनिट है ना बेटा ये होगी इसकी यूनिट और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो के जी मतलब मास है ना तो इसको कैपिटल है? है, तो एल तो और पावर कितनी है थ्री ये बाई एल क्यूब आ गया तो इसको आप प्रॉपरली लिखोगे तो एम की पावर वन ये देखो एम की पावर वन है ना एल क्यूब को ऊपर लेके जाओगे आप तो एल की पावर माइनस थ्री तो एम वन एल की पावर माइनस थ्री राइट इसमें और कोई क्वांटिटीज नहीं है और कोई यूनिट्स नहीं है जैसे टाइम नहीं है राइट right? टेम्परेचर uh, नहीं है एम्पियर नहीं है आप उनको इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो टाइम नहीं है ना बेटा तो टाइम की पावर कितना आ गया जीरो आ गया टी की पावर जीरो किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है वन हो जाती है ठीक है तो उसको साइड में लिखो लिख सकते हो आप लेकिन पावर उनकी जीरो लगा देना राइट right? ओके okay, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट तो काफी सिंपल है देखो तो डायमेंशन आपको लिखनी है ठीक है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप इन सिंबल्स की हेल्प लेकर के उसको लिख सकते हो करेक्ट और जैसे अभी अभी जैसे मैंने लिखा अभी आपको कि डेंसिटी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया एम वन एल की पावर थ्री माइनस थ्री राइट तो इसमें डायमेंशन क्या है देखो एम क्या है मास है ना मास की डायमेंशन कितनी वन है मास की डायमेंशन कितनी बेटा वन है इसकी पावर जो है फंडामेंटल यूनिट्स टर्म्स में आप किसी भी आ, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे है ना तो फंडामेंटल जो यूनिट हैं राइट उनकी जो पावर होगी ना दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट तो यहां पर मास की डायमेंशन कितनी वन है लेंथ की डायमेंशन कितनी बेटा माइनस थ्री है करेक्ट लेंथ की डायमेंशन या माइनस थ्री है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं हम डिराइड क्वान्टिटीज़ एंड देयर डायमेंशनल फार्मूला तो कुछ क्वांटिटीज़ हैं और उन क्वान्टिटीज़ के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट्स भी लिखेंगे तो साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बहुत ही सिंपल सा पार्ट है बेटा जैसे वेलासरी की बात करें तो पहली चीज़ क्या है इसमें जो कि आपको ध्यान रखनी है देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है है ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उस क्वान्टिटी का अगर आपको यूनिट लिखना है या डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो आपको बेसिकली उसका फॉर्मूला साइंटिफिक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए है ना आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ से जब गो थ्रू होंगे ठीक है है ना तो जितने भी क्वांटिटीज आप पढ़ोगे ना साथ ही साथ उनका जो फिजिकल मीनिंग समझोगे उसके अलावा उनका जो साइंटिफिक फॉर्मूला पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली उनकी यूनिट को लिख सकते हो तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए साइंटिफिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो आप इजीली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इवन यूनिट जो है आप लिख सकते हो जैसे वेलोसिटी है अब वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम

टी माइनस वन से भी लिख सकते हो आई बात समझ में काफी सिंपल है देखो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलेशन का formula में मालूं, मालूं होना चाहिए। acceleration का फॉर्मूला क्या होता है अब में तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो है वो वेलोसिटी आ रही है और डिनोमिनेटर में कितना क्या आ रहा है टाइम आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यूनिट मीटर पर सेकेंड अपन टाइम नीचे टाइम है तो सेकंड आ गया इसका मतलब इस क्वांटिटी को मीटर अपॉन स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? टी की पावर माइनस टू ये लो ये इसका डायमेंशनल आ गया तो एल वन टी माइनस टू मोमेंटम की बात करें मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी पी इक्वल टू एम वी आई रिपीट आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इन टू वेटी राइट दिस इज मास फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी है को लिख सकते हो आप के जी में और वी वेलॉसिटी है मीटर पर सेकेंड होती है तो मीटर पर सेकेंड यहां से लिख देंगे सो यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम इज के जी मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज के जी मीनस एम वन मीटर एल वन सेकेंड सेकेंड ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम राइट एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम इज के जी मीटर पर सेकेंड काफी इजीली आप लिख सकते हो राइट right? अब जो ये फॉर्मूला जितने भी हैं आपको जितने भी याद हैं वो अच्छी बात है लेकिन अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो फिजिक्स जैसे आप चलेगी चैप्टर चलेंगे तो वैसे वैसे ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपके सामने आएंगी धीरे धीरे करते तो ऑटोमेटिकली वो चीज सारी की सारी याद हो जाएंगी आपको जैसे फोर्स है अब फोर्स की बात करें फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए होता है एम ए एम होता है मास और ए होता है एक्सेलरेशन मास की यूनिट आप जानते हो के जी राइट और ए एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की यूनिट हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी अभी फाइंड किया देखो ठीक है तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो so, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो देखो वो क्या कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को जैसे फोर्स हुआ हुआ मोमेंटम इन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो आप देखो फंडामेंटल यूनिट जो है उन्हीं की हेल्प ले रहे हो देखो ये एल्फाबेट्स है बेटा इन्हीं की हेल्प से आप इसको लिख पा रहे हो राइट तो के मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मुला वो क्या आना चाहिए के को क्या लिखोगे आप एम वन मा सही मीटर को एल और सेकेंड को बेटा टी माइनस टू सेकेंड है ना तो ऊपर जाएगा तो टी माइनस हो जाएगा ये है ना नेक्स्ट है पावर अगर आप पावर की बात करें बेटा पावर की अगर बात करें तो पावर को क्या लिखोगे सॉरी वर्क एनर्जी की बात करें तो वर्क वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस राइट एफ की यूनिट अभी अभी हमने देखी थी के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर राइट ये F की यूनिट थी और एस की बात करें अगर हम एस है डिस्प्लेसमेंट बेटा है ना डिस्प्लेसमेंट है दिस इज फोर्स फोर्स इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट और एस को अगर हम लिख दें यहां पर तो एस एस ये वापस लिखू मैं देखो W इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट राइट एस डिस्प्लेसमेंट ओके सो एफ इज अ फोर्स फोर्स की यूनिट क्या होती है देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ये लेंथ मतलब मीटर सो डब्ल्यू की यूनिट क्या जाएगी? KG, की आ जाएगी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये डब्ल्यू की यूनिट आ गई वर्क की यूनिट आ गई और इससे अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो के को लिख सकते हो एम वन मीटर लेंथ है मतलब एल टू बेटा सेकेंड मतलब टाइम टी की पावर माइनस दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी का भी सेम होता है एनर्जी की बात करें जैसे एनर्जी में कोई भी कंसीडर कर लो जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हो जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम वी स्क्वेयर ओके हाफ एम वी स्क्वेयर हाफ हाफ तो वैसे भी डायमेंशन लेस है उसका कोई मीनिंग नहीं है ये एम मास है मास को क्या लिखोगे आप के जी और वी वेलोसिटी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वेयर है इसका मतलब मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकंड स्क्वेयर देखो सेम यूनिट आई है देखो अब जब सेम यूनिट आएगी डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा ना तो एनर्जी वर्क हीट एनर्जी एनर्जी वर्ड अगर मिल गया ना आपको तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सबका क्या है सेम है यूनिट भी सेम होगी के जी मीटर स्क्वेर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू नेक्स्ट आता है बेटा पावर पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें अब पावर क्या होता है पावर होता है वर्क अपॉन टाइम तो वर्क अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप पावर की यूनिट भी इजीली लिख सकते हो बेटा राइट right? पावर की भी यूनिट इजीली लिख सकते हो आप तो पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम करेक्ट तो वकदन के लिए आप क्या लिखोगे वकदन के लिए आ, जो यूनिट थी kg, time. Time के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम टाइम की यूनिट क्या आएगी अपॉन में सेकेंड राइट टाइम की सेकेंड अपॉन में सेकेंड आ जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आएगी देखो के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब तो बेटा इस वे से आप पावर की यूनिट भी लिख सकते हो एंड इवन डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो के के लिए क्या लिखोगे एम मीटर के लिए क्या लिखोगे एल एंड ये सेकेंड जो है वो टी की पावर कितना जाएगा माइनस थ्री तो ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया पावर का ऐसी स्ट्रेस स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेस को हम सिग्मा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया

फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अपन में एरिया मतलब मीटर स्क्वायर तो मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट हो गया देन वी हैव केजी आ, या इसको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो हम्म डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका m1 केजी के लिए मास है ना m1 मीटर है ये लेंथ है बेटा लेंथ है तो l1 l-1 सॉरी एंड सेकंड है तो t-2 ये लो जी ये स्ट्रेस के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारे पास तो इस वजह से हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका साइंटिफिक फॉर्मूला हमें मालूम है उनके लिए हम यूनिट भी लिख सकते हैं उनके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ठीक है और वो किसकी फॉर्म में फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में राइट बेटा चलिए आगे चलते हैं अब जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ठीक है अब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है या यूनिट क्या है वो लिखनी है आपको तो उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए F इज इक्वल टू एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर यह फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप इजीली लिख सकते हो दिस इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी ये है फोर्स राइट फोर्स को आप क्या लिखोगे फोर्स <coughs> की जो बेसिक जो यूनिट है वो क्या लिख सकते हो आप के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर

तो जी का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्पेर आ जाएगा और इसका दिस इज दिस इज मीटर मतलब क्यूब राइट दिस के जी मतलब मास दिस इज मतलब टाइम टी टू राइट इन दोनों क्वांटिटीज को ऊपर लेके जाओ तो क्या लिखोगे एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू तो इस वे से आप बेटा जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो लिख सकते हो है ना नेक्स्ट देखें प्लांक्स कांस्टेंट

अपॉन अपॉन टाइम मतलब सेकंड सेकंड राइट से सेकंड कैंसिल आउट हो गया देन कांस्टेंट के का जो यूनिट आया बेटा वो देखो कितना आया के जी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकंड और के को क्या लिखोग को एल टू या एल टू आ गया ना पावर के साथ ही और ये एस जो है वो टाइम है टी को ऊपर लेके जाओगे तो टी की पावर माइनस ये लो जी प्लांग कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो गया है ना काफी इजी है बेटा देखो नेक्स्ट चलते हैं ऑफ ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी नीटा अब को डिफाइन करना है तो आपको फॉर्मुला मालूम होना चाहिए नीटा के लिए बात करें तो एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई नीटा आर वी स्टॉक्स लिया गया है ठीक है तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से लिख सकते हो फोर्स के लिए क्या लिखोगे के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ठीक है सिक्स पाई बेटा एक कांस्टेंट है इसकी कोई यूनिट नहीं है यहां पर ईटा जो है इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है इसको एज इट इज लिख दो आर रेडियस है बेटा लेंथ होता है लेंथ मतलब मीटर और v velocity है velocity को आप लिख सकते हो मीटर अपॉन सेकंड देखो सारे सारी मैंने फंडामेंटल फोर्स को लिख दिया ईटा की वैल्यू बता है हमें जो, जो लिख दी velocity की लिख दी तो देखो मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट हो गया बाकी अच्छा एस से एस भी एक कैंसल आउट हो गया देन ईटा की यूनिट क्या है देखो के जी है ना और ये मीटर जो है ये मीटर डिवाइड में ले जाओ मीटर सेकेंड ये ईटा की

a t की पावर फोर दिस इज पावर ये पावर और पावर आप जानते हो एनर्जी या w w t होता है w by t ठीक है टाइम ये बेसिक फॉर्मूला है तो आप इससे सिग्मा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डिड्यूस कर सकते हो बेटा अब वगडन के लिए डब्ल्यू के लिए आप जानते हो के जी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकंड स्क्वेयर राइट इस सेकंड स्क्वेयर को अपन नीचे लिख देते हैं और इज अ टाइम मतलब सेकेंड आ गया ठीक है सिग्मा फाइन करना है, ए, है बेटा। बोले तो, तो मीटर तो बेटा के टू दी पावर फोर कैलविन है ना टेम्परेचर के लिए हम कैलविन यूज करते हैं तो के पावर फोर हो गया अब यहां से देखो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है ना और के पावर फोर डिवाइड में आ जाएगा यहां पर K की डिवाइड में ले गए देखो ये लो जी हमारे पास सिग्मा की, आ सिग्मा की क्या देखो, के जी पर एस क्यूब के पावर जीरो दो, नहीं तो, L को आउट कर सकते हो आप और टी है नीचे बेटा टाइम है सेकेंड है तो टी की पावर माइनस थ्री आ जाएगा पावर थ्री होकर ऊपर चला जाएगा तो और के की पावर माइनस फोर आ गया सो दिस इज द डायमेंशनल फोर्मुला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट करेक्ट बेटा आगे चलते हैं देखो वींस डिस्प्लेसमेंट कॉफिशियंट बीस डिस्प्लेसमेंट कॉफिशियंट के लिए आ, काफी सिंपल सा रिलेशन है इज इक्वल टू बी टी होता है और टी जो है वो टेम्परेचर है राइट टी टाइम नहीं यहां पर टेम्परेचर है तो ये अगेन साइंटिफिक फॉर्मूला आ गया ना घूम फिर के तो साइंटिफिक फॉर्मुला मालूम है तो हम इजीली लिख सकते हैं तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ मतलब मीटर मतलब,

तो हीट कंडक्टिविटी अगर आपको लिखना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका अगेन फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए राइट जैसे ऑम्सलो से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे ओम स्लो होता है ना डेल्टा वीव आई इन आर सेम वे से इसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है डेल्टा वी की जगह यहां आता है डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस आई होता है हीट करंट यहां पर क्यों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हीट करंट जो कि एक्चुअली में पावर को रिप्रेजेंट करता है बेटा पावर और जो आर है जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वन अपॉन यहां पर एक्चुअली uh, में लेंथ होता है ऊपर एल बाय के ए जैसे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना आर इक्वस टू रो एल बायर टू एल बाय सिग्मा ए है ना एल होती है लेंथ सिग्मा होता है कंडक्टिविटी ठीक है और ए होता है एरिया सिमिलरली हीट के लिए भी आ, उसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो ये आ, थर्मल रेजिस्टेंस होता है बेटा इसमें अगर अपन हीट कंडक्टिविटी में इसको डिस्कस करें अपन तो दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में आ, थर्मल कंडक्टिविटी एंड ए इज़ द एरिया राइट तो यहाँ से आपको अगर के की यूनिट डिफाइन करनी तो के को आप इस तरफ ले जाइए ये बेटा पावर है और पावर की यूनिट आप जानते हो के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब होता है पावर की यूनिट बेटा के जी मीटर अपॉन एस क्यूब होता है पावर की यूनिट और यहां पर लेंथ है ये लेंथ मतलब बोले तो मीटर ठीक है और ए इज द एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और ये टेम्परेचर मतलब डिफरेंस है मतलब कैलविन आ गया नीचे ठीक है ये के है ये वो वाला के है थर्मल कंडक्टिविटी वाला ठीक है तो इसकी के की डिफाइन करनी और ये जो डेल्टा जी जो टेम्परेचर है ना वो वो कैलविन के अंदर यहाँ मैंने लिख दिया इस तरफ ले है मैं अब इसको सॉल्व कर लो मीटर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया के को बेटा मतलब चलो के लिख देता हूँ पहले मीटर फिर एस क्यूब ऊपर लेके जाइए एस माइनस और के की पावर माइनस वन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा कैपिटल एम वन इज द मीटर एल वन इज द टाइम टी माइनस एंड के माइनस वन दिस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट कंडक्टिविटी ठीक है नेक्स्ट है बोल्जमान ये फॉर्मूला मालूम है आपको तो आप इजीली लिख सकते हो इज द एनर्जी एनर्जी मतलब के जी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्क्र इज इक्वल टू के बोल्जमान कॉन्स्टेंट एंड इज द टेम्परेचर टेम्परेचर इसको स्मॉल के लिख दो स्मॉल के टेम्परेचर

केवल हमने सिलेक्टेड जो जो कॉफिशंस थे उनको लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट्स है और इन पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं है ना तो खास खास कॉन्स्टेंट जो है उनको हमने इंक्लूड किया जनरली इन्हीं पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला और जो यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से किस वे से हम लिखते हैं और वो भी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में ठीक है फंडामेंटल यूनिट बेसिक यूनिट्स है बेटा और उन्हीं यूनिट से अपन को इनका नाम लिखना है और हमने नाम लिख लिया है ठीक है ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं Some derived units are named after scientist name. अच्छा ये भी इसमें एक खास इसको एन तो से डिफाइन कर देते हैं राइट right? फ्रीक्वेंसी को हम हर्ड से डिफाइन करते हैं एनर्जी को हम जूल से डिफाइन करते हैं पावर को हम वोट से डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं चार्ज को हम कुलाम से डिफाइन कर देते हैं ठीक है पोटेंशियल को हम वी से डिफाइन कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला ठीक है टी से डिफाइन कर देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर से डब्ल्यू से डिफाइन कर देते हैं रेजिस्टेंस को हम ओम से डिफाइन कर देते हैं इंडक्टेंस को हम हैनरी कैपिटल एच से डिफाइन कर देते हैं इसके अलावा और भी है तो मेन ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको आ, साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड अगर यूनिट दे रखी हो तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना वैसे आप चैप्टर्स जब पढ़ोगे तो उन चैप्टर्स में ये चीजें आएंगी तो वहां पर आपको ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली ये चीजें हैं फेमस जो भी हैं तो वो यहां पर आपके सामने हैं तो आप इन चीज को इनको ध्यान रख सकते हो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम सम अदर एग्जांपल्स एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ कॉमनली यूज क्वांटिटीज तो ये uh, कुछ क्वांटिटीज हैं तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा एरिया डेंसिटी वेलोसिटी एक्सलरेशन एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी मोमेंटम फोर्स वर्क एनर्जी पावर प्रेशर स्ट्रेस तो ये इनकी यूनिट्स हैं कुछ ठीक है और ये इनके डायमेंशनल फार्मूलाज हैं बेटा और डायमेंशनल फार्मूला बनाना कैसे है वो आप सीख चुके हो राइट चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है जैसे यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है राइट बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है या मॉडल्स ऑफ रेजिडिटी है ठीक है तो ये इलास्टिक कॉफिशियंट के लिए ये यूनिट डिफाइंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी काफ़ी फेमस है एम आर स्क्वेयर एम आर स्क्र के जी मीटर स्क्यर टॉर्क के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फार्मूला एफ इन आर न्यूटन मीटर एफ के लिए न्यूटन से और आर के लिए आर डिस्टेंस है तो मीटर से डिफाइन कर दिया ये डायमेंशनल फार्मूलाजे है बेटा इनके सबके तो एंगुलर मोमेंटम इम्पल्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ये कई सारी जो हैं जो फिजिकल क्वांटिटी जो फेमस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी बेटा ये यूनिट्स हैं और वो डायमेंशनल फार्मूलाज हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो नेक्स्ट बेटा कैपेसिटेंस इंडक्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स परमिटिविटी परमेबिलिटी प्लांक्स कॉन्स्टेंट बोर्जवान कॉन्स्टेंट जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो ये डायमेंशनल फार्मूलाज हैं और ये इनकी यूनिट्स हैं बेटा फेमस यूनिट्स जो हैं ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो आप भी मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हो राइट डायमेंशनल फॉलोइंग इंपल्स पर यूनिट एरिया इम्पल्स पर यूनिट एरिया ओके तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख देते हैं अपन तो इंपल्स पर यूनिट एरिया मींस इंपल्स आएगा ऊपर तो और डिवाइड में एरिया अब इंपल्स जो है उसकी यूनिट एग्जैक्टली exactly मोमेंटम के इक्वल होती है मोमेंटम और इंपल्स दोनों की यूनिट सेम होती है तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है मोमेंटम की यूनिट होती है के जी मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटम की यूनिट है और डिवाइड में एरिया बेटा एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर तो इंपल्स पर यूनिट एरिया मतलब के जी मीटर पर सेकेंड दिस इज मोमेंटम और डिवाइड में एरिया तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया के जी अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जाए तो के जी मतलब मास एम वन मीटर है बेटा लेंथ है तो ये ऊपर जाएगा तो एल पावर माइनस वन एंड एस सेकेंड है तो टी पावर माइनस बन गया सिंपल काफी सिंपल है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे वन अपॉन रूट एल सी आर बाय एल आर सी ये फिजिकल क्वांटिटी जो है इनके जो मीनिंग है ठीक है वो आपको मालूम होने चाहिए जैसे एल है एल हम इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं सी जो है वो कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं आर रेजिस्टेंस के लिए ठीक है तो इनका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कई बार एग्जाम में नहीं दिया होता तो भी हमें ये ध्यान रहना चाहिए तो वन अपॉन रूट एल सी की यूनिट क्या होगी तो वन अपॉन रूट एल सी के लिए आपको एटलीस्ट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इससे लिंक होता हो जैसे मैं बताऊं आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी का इक्वल होता है ठीक है अगर आप इंडिविजुअली एल और सी का अगर डायमेंशनल फॉर्मुला लिखने बैठोगे ना ठीक है जैसे अभी भी मैंने लिस्ट बताई थी आपको ठीक है तो उस लिस्ट से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी कैलकुलेट कर सकते हो बट बेटा वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अगर आपको कोई फॉर्मूला ऐसा लिंक हो रहा है तो आप डायरेक्ट उससे बेटा बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक है एग्जामिनर यही चाहता है कि आप उनमें टाइम ज्यादा जो है वो कंज्यूम करो आपका टाइम ज्यादा लगे और जिनको मालूम है जिसने फिजिक्स पूरी पढ़ रखी है तो उसको मालूम रहेगा कि हाँ ये फॉर्मुला वहां पर आया था तो वो डायरेक्ट वहीं से ही उठा लेगा तो ओमेगा इक्वल्स टू अपॉन रूट एल सी और ये ओमेगा जो है ना वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है राइट एंगुलर फ्रिक्वेंसी टू पाई एफ से आप इसको डिनोट कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी आप जानते हो वन अपॉन टी होता है ठीक है और टू पाई का वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं है यहां पर तो वन अपॉन टी फ्रीक्वेंसी मतलब बोले तो वन अपॉन टी वन अपॉन टाइम राइट तो टाइम का जो डायमेंशनल uh, फॉर्मूला है वो तो टी होता है तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा टी माइनस वन खत्म ठीक है तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये है ना तो इस वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा तो ये हो गया फर्स्ट हो गया नेक्स्ट है आर बाय आर बाई एल को अगर आपको फाइंड आउट करना है अगेन वही अप्रोच लॉन्ग मेथड से अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस और एल की जो डायमेंशन है वो अलग अलग लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला और उनको सोल्व करो आर और एल को डिवाइड कर दो वहां से सॉल्व हो जाएगा लेकिन कोई डायरेक्ट अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच भी है अगर आपको फॉर्मूला याद है मालूम है तो ठीक है तो देखो बेटा एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट के लिए अगर हम डिफाइन करें आई इक्वल टू आई नॉट इ टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल माइनस आर टी बाई एल इस टाइप का फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो अब यहां पर जो आर बाई एल है ना ठीक है आर बाई एल की अगर हम बात करें और जो टी है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना बेटा वो डायमेंशन लेस होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डायमेंशनलेस होता है ये क्वांटिटी जो है ना वो डायमेंशनलेस होती है हम आगे देखेंगे उसको मैं बताऊंगा आगे एक्सप्लेन करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी जो है बेटा वो डायमेंशन लेस है इवर माइनस आर टी बाई एल तो ये डाइमेंशनलेस है इसका मतलब r l जो है ना उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए उसकी यूनिट होनी चाहिए सेकंड इनवर्स ऐसा क्यों क्योंकि अगर इसकी यूनिट 1 सेकंड होगी और इसको अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब वापस सेकंड से मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया हो गया ना तो यहां पर कोई भी यूनिट नहीं बची मतलब डाइमेंशन बची नहीं यहां पर ठीक है तो इस वे से अपन को ध्यान रखना है। ये जो है ना बेटा ये डायमेंशनल है तो आर बाय की जो यूनिट है ना वो वन अपॉन सेकेंड हो जाएगी आई बात समझ में वन अपॉन सेकंड के इक्वल हो जाएगा मतलब सेकंड इनवर्स हो जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो टी माइनस वन हो जाएगा करेक्ट इस वे से आप इसको डील कर सकते हो बेटा नेक्स्ट देखो आर सी आर सी की यूनिट चाहिए हमें देखिए इधर RC. अब Rc को भी कैलकुलेट करना है तो कोई ऐसा यस yes, है जी देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस इन दावर माइनस ठीक है क्यू नॉट वन माइनस ईट दावर माइनस टी बाय आरसी और अगेन ये बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी थोड़ा सा सोचो लॉजिकली सोचो जो आरसी है आरसी की यूनिट क्या होनी चाहिए जिससे कि पूरा पूरा ये डायमेंशन लेस हो जाए खत्म हो जाए ये पूरा पूरा ऊपर क्या टाइम है बेटा ये टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकंड होगी तो नीचे भी सेकंड होना चाहिए तभी सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट होगा तब जाके डायमेंशन लेस आएगा इसका मतलब आरसी की जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी सेकंड और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो आ जाएगा टी वन करेक्ट इस वजह से आप इसको डील कर सकते हो बेटा ओके चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले अपन तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं आपसे ठीक है तो हमें साइंटिफिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड काफी बढ़ जाती है आप ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला रट, रट नहीं सकते बेटा ठीक है और बाकी अप्लाई कैसे करना है तो काफी आसान था आपने देख ही लिया फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनकी टर्म्स में आपको लिखना होता है इनको ठीक है और उनके सिंबल्स ही आपको वहां पर यूज करने होते हैं ठीक है बेटा आगे देखते हैं चलो चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू विद चेंज इन यूनिट सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको लिखना है बेटा तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक तो न्यूमेरिकल पार्ट एंड सेकेंड वन इज यूनिट ठीक है जैसे एक रॉड है हमारे पास उस रॉड की जो लेंथ है बेटा लेट से टेन मीटर है टेन मीटर टेन इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड मीटर इज द यूनिट ठीक है तो दो पार्ट से मिलके बना होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज यूनिट और अगर मैं इस क्वांटिटी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे ये मीटर है सेंटीमीटर है uh, में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो मीटर में तो हम जानते हैं वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर होता है राइट हंड्रेड सेंटीमीटर सो टेन एज इट इज रहेगा यहां पर इन दिस इज वन मीटर वन मीटर मीन्स हंड्रेड सेंटीमीटर दिस इज वन मीटर वन मीटर मीन्स हंड्रेड सेंटीमीटर ट वन थाउजेंड सेंटीमीटर ओके सो देखो एक चीज गौर करो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें टेन थी और यूनिट जो थी वो मीटर थी फंडामेंटल जो यूनिट थी राइट right? और इसको हमने आ, लिखा सेंटीमीटर में वन थाउजेंड सेंटीमीटर आया ठीक है वन थाउजेंड सेंटीमीटर आया तो देखो न्यूमेरिकल पार्ट इंक्रीज हो गया ना देखो न्यूमेरिकल पार्ट पहले कितना था टेन था अब न्यूमेरिकल पार्ट कितना हो गया वन थाउजेंड हो गया ना इंक्रीज हो गया मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज हो गई लेकिन अगर आप जो बेस जो यूनिट की बात करें तो वो यूनिट सेंटीमीटर में चली गई पहले मीटर था अब सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर ऑब्वियसली छोटा होता है मीटर से है ना स्मॉल होता है इसका मतलब अगर एन इंक्रीज होगा तो यू डिक्रीज हो जाएगा सो so, एन इज प्रपोर्शनल टू तो वन अपॉन यू एन इज प्रपोर्शनल टू तो वन अपॉन यू ठीक है अगर यू डिक्रीज होगा तो उस केस में एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बेटा उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन ये हमेशा फिक्स रहता है मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा है ना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो हमेशा फिक्स रहेगा राइट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर राइज होती है तो यूनिट ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी ठीक है बेटा इस पर बेस्ड है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लेंगे और उस इस आर्टिकल को समझने का ट्राई करेंगे बेटा राइट <coughs> तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है सो एन इंटू यू तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा हो जैसे मैं अभी यहां पर आपके सामने क्लियर करूं एक, एक चीज जैसे जैसे जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है ओके okay? और मीटर और सेकेंड किस में आता है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर एस SI के अंदर ठीक है और uh, एस SI के अंदर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स थी और इसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में तो क्या इसमें मास आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है मीटर आ रहा है मतलब लेंथ आ रहा है ना और टाइम भी आ रहा है तो सीजीएस में भी सेकंड टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं और एस SI के अंदर भी सेकंड यूज करते हैं लेकिन मीटर में आ, ये है जी की वैल्यू हम सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर में उसको लिखते हैं तो मीटर को मुझे सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा यहां पर तो बड़ा सिंपल है देखो नाइन पॉइंट मीटर है वन मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं हंड्रेड सेंटीमीटर बेटा अपन एस ठीक है तो जो भी यूनिट है ना यूनिट को आप कन्वर्ट कर दो जो भी फैक्टर है कन्वर्जन फैक्टर उसे मल्टीप्लाई करके आ, रख दीजिए अपने पास वैल्यू आ जाएगी नाइन पॉइंट हंड्रेड की बात करें बेटा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी नाइन एट हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया नाइन एट्टी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लो जिसकी वैल्यू आ गई है ना जी की वैल्यू अब जैसे हमसे पूछा जाए जैसे एनर्जी है एनर्जी मान लीजिए वन जूल है वन जूल है ना साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड ये यूनिट है वन जूल मतलब आप इसको अगर बेसिक या जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ वन जूल को क्या लिख सकते हो आप के जी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर ये एनर्जी की यूनिट है बेटा सो so, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में मैंने लिख दिया यहां पर के जी मीटर स्क्वेर अपॉन सेकेंड स्वेयर और इसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है अब सीजीएस में तो सीजीएस में मतलब किलोग्राम केजी नहीं होता सीजीएस के अंदर तो ग्राम में यूज़ करते हैं हम है ना लेंथ को हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं और टाइम को सेकंड में यूज़ करते हैं ठीक है तो टाइम तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड है सिस्टम इंटरनेशनल में भी तो देखो वन इन टू ये वन के जी है बेटा वन के जी को ग्राम में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे वन थाउजेंड मतलब टेन तो टू पावर थ्री ग्राम ना तो के जी को मैंने ग्राम में लिख दिया वन थाउजेंड ग्राम मीटर है ये वन मीटर किसके इक्वल होता है टेंट टू पावर टू सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर राइट तो वन मीटर इज टू टेंट पावर टू सेंटीमीटर लेकिन इसका स्क्वेयरिंग हो रही है स्क्वेयरिंग होगी तो कितना हो जाएगा टू टेंट पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन एस स्क्र तो देखो टू टेंट दावर थ्री टेंट पावर फोर कितना आ गया टू टेंट पावर सेवन सो टू टेंट पावर सेवन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्क्र काफी इजी है देखो तो इस वजह से हमने इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया ठीक है सीजीएस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया वैसे सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी की जो यूनिट होती है, हम इसको जूल से रिप्रेजेंट करते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिखा जाए तो e किया जाता है ओके अर्ग अर्ग, अर्ग मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर तो ये अर्ग की यूनिट है फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में ठीक है तो वन जूल इज इक्वल टू टेन टू दी पावर सेवन अर्ग करेक्ट चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं देखिए इन सीजीएस सिस्टम डेंसिटी इज टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मासन एस टू सेंटीमीटर एंड फोर ग्राम रेस्पेक्टिवली वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन न्यू सिस्टम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है देखिए आप। आपको डेंसिटी दे रखिए बेटा डी इज इक्वल टू टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीन्स सी एम की पावर थ्री इस वजह से आप लिख दोगे इसको अब यह कह रहा है एक नया सिस्टम है उस नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास आर टेकन एज टू सेंटीमीटर एंड ग्राम ठीक है मतलब लेंथ की जो न्यू यूनिट है उसको आप अपना नाम दे दो कुछ भी नाम दे दो जैसे आ, मैंने लेंथ नाम दे दिया चलो या एल नाम दे दिया चलो मैंने एक नया अपना सिस्टम बनाया लेंथ का और उसमें लेंथ में मैं एल जो सिंबल है वो यूज करूंगा और ये जो वन एल है ना वन एल बेटा किसके इक्वल है टू सेंटीमीटर के इक्वल है this is equal to 2 cm काफी सिंपल है देखना मैंने एक नई स्नेया सिस्टम बनाया यूनिट का और उसमें मैंने लेंथ के लिए 1l जो है मेरा वो 1 2 cm के इक्वल है ओके एंड सिमिलरली मेरा जो नया सिस्टम है उसके अंदर जो 1 मास है 1m 1m मेरा मास का सिंबल है m ओके 1 मास इज इक्वल टू कितना है 4 ग्राम के इक्वल है करेक्ट मेरा नया सिस्टम है यूनिट का और उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर लेंथ जो है वन जो लेंथ है वो टू सेंटीमीटर के इक्वल है वन एम जो है वो फोर ग्राम के इक्वल है इज दट क्लियर और अब ये कह रहा है कि इस नए सिस्टम के अंदर बताइए डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है टू है ना अब नए सिस्टम के अंदर मुझे बताना है कि डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए ठीक है करते हैं देखो बड़ा आसान है देखो टू एज इट इज रहने दो इसको इन दिस इज वन ग्राम सिंपल जी लिखा है ना दिस इज वन ग्राम सो वन ग्राम देखो बेटा वन एम इज इक्वल टू फोर जी है सो यर वन ग्राम इज वन एम बाय फोर सो एम बाय फोर लिख दो इसको वन ग्राम को मैंने एम बाय फोर लिख दिया यहां से बोलो नेक्स्ट चलो सेंटीमीटर क्यूब दिस इज वन सी एम की पावर थ्री है एंड वन सी एम वन सीएम देखो वन सी एम इज वन एल बाई टू आएगा ना एल बाई टू आएगा ना तो वन सीएम टू एल बाई टू तो मैं यहां एल बाई टू रख दूस सीएम की बजाय cm की जगह तो एल बाई टू की होल पावर कितना आ गया थ्री आ गया ना अब इसको सॉल्व कर लो तो डी इज इक्वल टू दिस इज टू एम अपॉन ये, ये मल्टीप्लाई है ना चलो इसको सिंपल लिख देते हैं फोर ये एल क्यूब और पावर टू की पावर थ्री है तो टू की पावर एट हो जाएगा डिवाइड के अंदर टू की पावर एट ऊपर चला जाएगा टू उट थ्री सॉरी एट ऊपर चला जाएगा आ देखो। तो अब इस न्यू सिस्टम के लिए कितनी आ जाएगी फोर हो जाएगी ठीक है आई थिंक आपको ये हो गया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नए आ, नए सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू इतनी है इसकी वैल्यू इतनी बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी होगी तो बड़ा सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते बेटा जी बेसिक जो पार्ट था डायमेंशन का और यूनिट में जो कन्वर्जन है वो हमने समझ लिया ठीक है उसके अलावा डायमेंशन्स के जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उनका हमें ध्यान रखना है सिमिलर टाइप क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ठीक है इसका मीनिंग ये है कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ जैसे आपको आ, एक लेंथ गिवन है 10 मीटर और 10 मीटर में आपसे कोई कहे कि आ, 20 केजी ऐड करना है तो इसका मीनिंग ही नहीं है मीनिंगलेस मीनिंगलेस है ठीक है क्योंकि टेन के में आप टेन के जी कर सकते हो राइट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो राइट सिमिलरली अगर आपको लेंथ गिवन है तो लेंथ में आप लेंथ ऐड कर सकते हो लेंथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो राइट लेकिन कोई दूसरी जो क्वांटिटी है उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते है, है ना वो मीनिंगलेस हो जाएगी चीज तो ये चीज का ध्यान रखना है तो कहीं पे भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन नजर आए

अब जैसे इसमें एग्जाम्पल है इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन देन विच रिलेशन इज मीनिंगफुल अच्छा मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो डिफरेंट क्वांटिटीज हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो आप ठीक है डिवीजन में भी हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है डिवीजन में हो सकता है लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए ठीक okay, है ओके जैसे फोर्स है फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास एक अलग क्वांटिटी है एक्सेलरेशन एक अलग क्वांटिटी है दोनों को मल्टीप्लाई किए ओके है कोई दिक्कत नहीं है है ना ऐसे लेकिन जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो उसमें बेटा सेम क्वांटिटी होनी मस्ट है जरूरी है तो अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है ये कह रहा है कि ए एंड बी आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन अगर डायमेंशन डिफरेंट होंगी तो ऑब्वियसली दोनों क्वांटिटीज भी डिफरेंट होगी ना ठीक है देन विच रिलेशन इज मीनिंगफुल कौन सा रिलेशन मीनिंगफुल है अच्छा डिफरेंट क्वांटिटीज है ना तो क्या ए और बी को ऐड कर सकते हो आप नहीं ना तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया क्या ए और बी को सब्टैक्ट कर सकते हो नहीं ना इनकरेक्ट हो गया डिफरेंट डायमेंशन है इसका मतलब डिवाइड कर सकते हो ना दोनों को यस yes, डिवाइड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो स्क्वेयर कर सकते हो यस मल्टीप्लाई स्क्वेयर कर सकते हैं क्या इस इस फॉर्म में लिख सकते हो आप जैसे इधर तो ए है और इस तरफ क्या है ए क्यूब बाय बी है ना तो इसमें अगर आप लॉजिकली सोचो तो ए तो चलो ठीक है आ, ए और बी की डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि अगर मैं ए की पावर थ्री कर दूं और उसमें बी को अगर डिवाइड कर दूं तो जो डायमेंशन है जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली exactly ए के बराबर आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या ठीक है थिंक केयरफुली ए की और बी की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है है ना तो यहां पर ये ए है राइट right. अब मैं अगर मैं ए को कॉमन ले लूं बाहर ले आऊं तो आप देखना इधर ज़रा ब्रैकेट में कितना है वन प्लस ए क्यूब अपॉन सॉरी अब वन यहां पर सिंपल डायमेंशन लेस है कुछ भी नहीं है मतलब ये वाली क्वांटिटी एकदम डायमेंशन लेस है बेटा कुछ भी नहीं है इसमें कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए तो ए स्क्वायर अपॉन बी ये डायमेंशन डायमेंशन हो, होना चाहिए हो सकता है क्यों नहीं हो सकता जैसे मैं कहूं कि ए मान लीजिए लेंथ की यूनिट है केवल एल है मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल के इक्वल है और बी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल है क्या डिफरेंट नहीं है हैं जी डिफरेंट है ये और अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दू तो ये यह हो गया और नीचे एल स्क् कट गया ये तो ये डायमेंशनल आ गया आया कि नहीं आया डायमेंशनलैस क्वांटिटी है ये वन इसमें डायमेंशनल क्वान्टिटी एड हो रही है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है मैंने क्या बोला सिमिलर टाइप जो है ना अगर ये, ये इस ए की जो भी डायमेंशन होगी बी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए मतलब यहां पर अगर इस रिलेशन की बात करूं तो ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए अगर इसकी डायमेंशन है कुछ भी है सेम डायमेंशन बी की होनी चाहिए अगर ये डायमेंशन लेस है तो बी भी डायमेंशन लेस होना चाहिए और सी भी डायमेंशन लेस होगा फिर तो आई बात समझ में अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा ये भी फोर्स होगा ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ये भी लेंथ ये डायमेंशन लेस है कोई यूनिट नहीं है तो ये भी कोई यूनिट इसकी भी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए इसकी भी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए इज दैट क्लियर है ना मतलब डायमेंशन होनी चाहिए फिर ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया हमें नेक्स्ट देखते हैं चलो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग ठीक है तो ए बी और सी की डायमेंशन uh, हमें बतानी है इन तीन क्वेश्चन के अंदर और बड़े सिंपल से क्वेश्चन है ये वी इज द वेलोसिटी एंड इज द टाइम ओके चलिए देखते हैं इस पार्ट पे आए सबसे पहले वी v velocity है और v की जो यूनिट है बेटा आप लिख सकते हो सिंपल मीटर पर second लिख दिया v की जगह ठीक है इज इक्वल टू a जो है उसकी यूनिट हमें बतानी है t क्या है, टाइम है ना टाइम की यूनिट क्या होगी second s लिख दिया मैंने प्लस b अपॉन ये t टाइम है टाइम की यूनिट मैंने लिख दी s second प्लस में कौन है सी ठीक है अब ये बताओ ये सेकंड है ना टाइम है इसका मतलब ये सी बी टाइम होना चाहिए क्योंकि सेकंड में सेकंड ही ऐड हो सकता है या सब्टेक्ट हो सकता है इसका मतलब सी की जो यूनिट आ गई वो सेकंड आ गई सेकंड बोले तो टी की पावर वन आ गया ना टी की पावर वन तो सी की डायमेंशन क्या गई? की आ गई टी की पावर वन आ गई ठीक है ये क्लियर हो गया हमें नेक्स्ट देखते हैं इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेकंड ही तो होगा बी के डिवाइड में कौन है भाई टाइम है ना तो ये सेकंड हो गया पूरा इसको पूरा सेकंड लिख दीजिए उसके बाद देखो ए इंटू एस है एस मतलब सेकंड है ये मीटर पर सेकंड है ये बी बाई एस है अब ये तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए बेटा इसका मतलब ए एस जो है वो एक्जैक्टली एम बाई एस के बराबर होगा जब ए एस एम बाई एस के बराबर होगा तो ए फिर किसके इक्वल हुआ ए किसके इक्वल होगा ए हो जाएगा एम बायस स्क्वायर बोलो है ना क्योंकि ये तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना बेटा तो ए एस एम बाई एस के इक्वल होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी एम बाई एस स्क्वायर एम बाई एस s सेकेंड है? है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया एल वन टी माइनस टू करेक्ट सिमिलरली अगर आप बी बाई एस को देखो तो बी बाई एस भी एक्जेक्टली एम बाई एस की equal होगा, तो बी बाई एस इज इक्वल टू एम बाई एस 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 कैंसल आउट हो गया बी इज इक्वल टू एम तो फिर बी की यूनिट क्या आ गई सिंपल मीटर मतलब एल वन डायमेंशनल फॉर्मूला एल वन आ गया बेटा ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चले ये क्वांटिटी आपको दे रखी है एफ इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क् राइटर एफ इज द फोर्स एंड वी इज द वेलॉसिटी एंड टीज दी वे टाइम है, है. चलिए देखते हैं इसको भी करके देखते हैं चलो एफ इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क् अपॉन बी वी स्क्वेयर ओके चलिए देखो अच्छा ये बताओ ये ए है ये टी है टाइम का स्क्वेयर है तो इसकी जो यूनिट होगी सेम यूनिट इसकी होनी चाहिए ना इसका मतलब एक की यूनिट भी टी स्क्र के बराबर आ गई मतलब ए यहां पर डायरेक्टली पता लग गया हमें टाइम का स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा टी की पावर टू तो की यूनिट टी की पावर टू आ गई तो ये पूरा का पूरा ऊपर जो पार्ट दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में वो टाइम का स्क्वायर है मतलब एस स्क्र है तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूं एस स्क्र यूनिट लिख दी मैंने सिंपल यहां पर वी क्या वेलासिटी है वेलासिटी की भी लिख देते हैं चलो वेलासिटी का स्क्वायर है बेटा एस स्क्वायर नीचे बी वी स्क्वायर बी की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो बी को एक काम करते हैं अपन एफ के उधर ले जाते हैं चलो इसको इधर एफ है ना एफ को इधर ले आओ बी को उधर ले जाओ बी इज इक्वल टू ऊपर क्या था एस स्क्वायर था ना टाइम टाइम का स्क्वायर था एस स्क्वायर नीचे एफ वी स्क्वायर आ गया ठीक है अब अब देखो इसको करो एस फोर्स है ना फोर्स को लिख सकते हो आप के जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एस के ऊपर चला जाएगा आ गया वेलोसिटी वेलोसिटी अपन जानते मीटर पर सेकंड होता है तो so, स्कोरिंग करोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ना मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया तो so, देखो ये वैल्यू क्या है देखो पावर टू पावर टू पावर टू मतलब एस की पावर सिक्स आ गया के जी के ऊपर ले जाओ के जी की पावर माइनस वन मीटर स्क्वायर मीटर मीटर क्यूब आ गया तो ऊपर एम की पावर माइनस थ्री तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया एम माइनस वन एल माइनस थ्री मीटर है ना ये एल माइनस थ्री और टी सिक्स ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा इस ए और बी का ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं चलो P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हर पी इज द प्रेशर वी इज द वॉल्यूम एंड इज द टेम्परेचर तो ए एंड बी की यूनिट बतानी है अपन को ठीक है करें तो ये देखो ये P में कौन ऐड हो रहा है ए बाई वी स्क्वेयर एड हो रहा है इसका मतलब जो इसकी यूनिट होगी सेम यूनिट इसकी होनी चाहिए अब ए यूनिट एक्जेक्टली प्रेशर के बराबर होनी चाहिए अब A is equal to कितना आ गया? एरिया तो प्रेशर, प्रेशर होता, होता है ना बोलो डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ बोलो सही है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ तो इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए स्क्र एल स्क् ए से एक कट जाएगा देखो तो सिंपली एफ इंटू ए इंटू एल यूनिट लिख दो एफ की यूनिट क्या आएगी जी मीटर पर सेकेंड यूनिट आ गई इंटू में ये एरिया बेटा एरिया की यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वा करेक्ट और लेंथ है लेंथ का स्क्वेयरिंग हो रहा है यहां पर तो मीटर स्क्वायर ठीक है ये चीज क्लियर होगी आपको तो एफ बाई ए प्रेशर को एफ बाई ए लिख दिया वॉल्यूम को ए इंटू एल एरिया इंटू लेंथ लिख दिया मैंने इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो ए स्क्र एल स्क्र तो ए से कट गया तो ए आ गया यहाँ पर और एफ को लिख दिया मैंने के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और एरिया को लिख दिया मीटर स्क्वेयर और एल जो लेंथ है मतलब मीटर स्क्वेयर तो ये हमारे पास कितना आ गया के जी मीटर की पावर वन पावर टू पावर टू पावर, पावर, पावर फाइव फाव आ जाएगा इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आ गई के जी मीटर की पावर फाइव अपॉन एस स्क्वेयर अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा एम वन या एल की पावर फाइव और ये टी की पावर माइनस टू तो ये की यूनिट आ गई बेटा एंड सिमिलरली आपको अगर बी की यूनिट चाहिए तो देखो बी किसके साथ अटैच है देखो वी के साथ है ये देखो तो वी माइनस बी ये लिखा हुआ है ना इसका मतलब V की जो यूनिट है सेम यूनिट B की होनी चाहिए और V क्या वॉल्यूम है इसका मतलब B की यूनिट भी वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है एल क्यूब मीटर क्यूब होता है तो एल क्यूब हो गया देखो डायमेंशनल फॉर्मुला क्लियर ये भी काफी सिंपल से क्वेश्चन थे चलिए नेक्स्ट चलते हैं हाँ, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है अपन को देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस बेटा तो ये कोई भी फंक्शन इस टाइप से आपको अगर दे रखा हो ना तो ये ध्यान रखना ये डायमेंशन ही होते हैं ठीक है ये बेटा क्वांटिटी सारी की सारी डायमेंशन होती है जैसे आपको अगर y बराबर ए साइन एक्स दे रखा है तो ये ध्यान रखना ये साइन पूरा का पूरा है ना ये पूरा खुद डायमेंशनलेस होगा और जो एंगल है ना ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है आपको वो भी क्वानिटी डायमेंशन लेस होगी फंक्शन अगर आपको नजर आए यहां साइन लिखा हुआ है यहां ब्रैकेट में कोई क्वांटिटी है तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है कंप्लीट चाहे साइन की वजह कोस हो चाहे टेन हो कुछ भी हो ये पूरा डायमेंशनलेस होगा और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी दिख रही है ना ये भी खुद डायमेंशन होगी ये भी डायमेंशनलेस होगी डायमेंशनल मतलब एम जीरो एल जीरो सबकी पावर जीरो 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 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी फिर वन आ जाएगी उसकी पावर जीरो वैल्यू बन आएगी ना वही तो ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस और अंदर वाली क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी सिमिलरली अगर आपको इनवर्स में कोई फंक्शन दे रखा हो जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ आपको तो अगेन साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स जो वो भी खुद एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी और अंदर जो एक्स है ना वो भी एक खुद एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है सिमिलरली जैसे लॉग की फॉर्म में आपको दे रखा है तो लॉग पूरा पूरा कंप्लीट जो है ना वो भी डायमेंशन है और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज दे रखी है एल्फा टी कुछ भी वो भी खुद डायमेंशनलेस होगा इज दैट क्लियर तो ये भी आपको ध्यान रखना है उसके अलावा एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे रखा हो जैसे ई टू दी पावर एल्फा टी है तो ई टू दी पावर एल्फा टी है

यहां पर लिखा हुआ है कोस ओमेगा माइनस डी एक्स एज वी नो दिस होल क्वान्टिटीज डायमेंशन लेस मतलब है ये सो वाय की जो डायमेंशन होगी सेम ए की होनी चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए बेटा और वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट है मतलब मीटर यूनिट की बात करें तो मीटर तो फिर ए की भी यूनिट क्या आनी चाहिए मीटर में ठीक है सो यूनिट ऑफ ए इज मीटर

कोस के ब्रैकेट में जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है बेटा कोस के ब्रैकेट में कोस के ब्रैकेट में जो क्वांटिटी नजर आ रही है आपको ये वाली, ये वाली पूरी डायमेंशन लेस होनी चाहिए ना मतलब ओमेगा टी बी एकस, ये दोनों ये पूरा डायमेंशनलेस है अब जब पूरा डायमेंशन लेस होगा तो इंडिविजुअली भी तो डायमेंशन लेस होना चाहिए तो ये दोनों के दोनों क्या डायमेंशन लेस है डायमेंशन लेस में डायमेंशन लेस ही एड हो सकता है सब हो सकता है

तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन टी एंड वन अपॉन टी को लिख सकते हो वन अपॉन सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स मतलब टी की पावर माइनस वन तो ओमेगा की भी आप डायमेंशन बता सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो बेटा नेक्स्ट चलते हैं देखो आपको क्या दिया हुआ नेक्स्ट में वी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी ये क्वांटिटी uh, आपको दे रखी है यहां पर ठीक है पूछा है ए और बी की डायमेंशन बताइए और वी इज द वेलोसिटी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट इज द टाइम ये हमें दे रखा है यहां पर ठीक है चलिए अब इसमें बताइए दिस इज डायमेंशनलेस दिस इज होल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस दिस होल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस तो ये भी वन भी डायमेंशन लेस ही है यहां पर इसका मतलब ये पूरा पूरा डायमेंशनलेस हो गया इसका मतलब वी और ए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए वी क्या है वेलोसिटी इसका मतलब ए की यूनिट भी

मतलब मीटर और टी क्या इसका मतलब बी बराबर आ जाएगा, वन एकस टी, एकस टी को दो मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये इसकी यूनिट आ गई और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस वन तो इस वे से हम ए और बी की यूनिट इजीली बेटा फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं देखो पावर माइनस ए जेड के थीटा बेटा राइट एड के थीटा वे पी इज द प्रेर जेड इज द डिस्टेंस के इज बोल्डेंट एंड टेम्परेचर यह कुछ दे रखा हमें अच्छा ये पूरी क्वान्टिटी डायमेंशनलेस है इसको हटा दो इसको वन ले लो डायशनलेस उसको वन लिख दिया करो फिर इसका मतलब पी इज इक्वल टू ए बाई बी आ गया ओके पी प्रेशर है प्रेशर होता फोर्स अपॉन एरिया

तो टू पावर ए जेड अपॉन में के थीटा है ना तो ए जेड अपॉन में थीटा ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए बोलो पावर भी डायमेंशनलेस होती है यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे सॉरी की वैल्यू निकाल लेंगे और बाकी जो हमें गिवन है उनको रख देते हैं यहां पर देखो ए बराबर कितना आ जाएगा के थीटा मल्टीप्लाई कर दो इसको वन से अपॉन में जेड के कांस्टेंट बेटा और बोल्जमान कांस्टेंट की जो डायमेंशन है या जो यूनिट है वो आप लिख सकते हो थीटा टेम्परेचर है और जेड क्या है डिस्प्लेसमेंट है बोल्जमान के लिए हमें याद है ई बराबर मैंने लिखा था के इंटू टी ई एनर्जी थी एनर्जी को लिखा था के जी मीटर स्कोर सेकेंड जो था वो टेम्परेचर तो टेम्परेचर मतलब कैलविन तो ये टी डिवाइड में आ जाएगा कैलविन आ जाएगा ये मतलब स्मॉल के लिख दो को तो स्मॉल के जो है उसकी यूनिटी आ जाएगी के जी मीटर स्क्वायर अपॉन में

और Z की यूनिट क्या मीटर मीटर से मीटर ये कैंसिल आउट हो गया कैल्विन से कैलवन कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई की देखो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये एक यूनिट आ गई तो की यूनिट आप यहां रख दोगे और वहां से बी की यूनिट फाइंड कर सकते हो आप राइट तो इस वे से अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम वन एल वन टी पावर माइनस टू ये एक का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और वो एक यूनिट यहां रखने के बाद आप बी की यूनिट भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है के जी अपोन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ठीक है तो ये आप इजीली बेटा सॉल्व कर सकते हो इसको हाँ बेटा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है रफली डेरिवेशन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला राइट तो हमें कई बार <coughs> किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है उनके साथ रिलेशन दे रखा होता है कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो बताइए कि अप्रोक्सीमेटली रफ रफली फॉर्मूला क्या बनना चाहिए ठीक तो है फिजिकल क्वांटिटी का जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक टाइम पीरियड का टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ सिंपल पैंडुलम एंड ग्रेविटी जी तो टी का जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं टी इज इक्वल टू अंडर रूट या टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई जी या आप डायमेंशनली इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो राइट right? काफी फेमस फॉर्मूला है तो, तो कई बार डेरिवेशन में ऐसे फॉर्मूलाज <coughs> जो है मतलब रफली हम फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस अब जैसे यहाँ पर नीट में कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे और बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये इस पार्ट पे जरूर आप कमांड करें ठीक है ये आपको आना चाहिए बेटा अच्छे से क्या कह रहा है देखें चलो एग्जांपल से शुरू करते हैं इसको समझने का ट्राई करते हैं फोर्स एफ वेलोसिटी वी टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स ओके देन डायमेंशन ऑफ मास आर तो मास की डायमेंशन पूछी है मतलब इसके कहने का मतलब है है कि जो मास है ना एम वो किन पर डिपेंड कर रहा है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं याद है ना आपको फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटलिटी के अंदर हमने सेवन फंडामेंटल यूनिट्स से ली थी उन्हीं से ही हमने जो डिराइव जो जो अदर क्वांटिटीज थी उनको हमने डिराइव किया था उनकी यूनिट्स को हमने डिराइव किया था बेटा ठीक है अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को इसने लिखा है कि अगर फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी में मान लिया जाए इनको अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड करें तो बताइए मास 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 की फिर फंडामेंटल को आप इन इनकी टर्म्स में क्या लिखोगे इसका मतलब इज इज डिपेंडिंग ऑन मास इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स बट पावर क्या पता नहीं है फोर्स की पावर कुछ भी हो सकती है लेट्स से पावर ऑफ फोर्स इज ए मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी वी V की पावर मालूम नहीं है पावर B एज्यूम कर लीजिए टाइम टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम की पावर आप C एज्यूम कर लीजिए ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो आप क्या करें जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपसे पूछी है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए और जिन पर ये डिपेंड कर रहा है उनको राइट हैंड साइड लिख दीजिए विद पावर पावर ए पावर बी पावर सी फोर्स की पावर ए फोर वी की पावर बी एंड टाइम की पावर सी अब हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम नहीं है इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ठीक है तो चलो कैलकुलेट करते हैं बड़ा सिंपल है इतना तो मालूम है हमें लेफ्ट हैंड साइड जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड भी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए बेटा सो यर लेफ्ट हैंड साइड में मास है मास मतलब बोले तो कैपिटल एम ठीक है जो डायमेंशनल जो सिंबल यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं तो कैपिटल एम की पावर बना गया ठीक है इधर एरो लगा दो या इक्वल लगा दो या जो भी है फोर्स है फोर्स की यूनिट हम जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू पावर क्या आ गया इसका ए पावर लिख दो नेक्स्ट है वेलोसिटी वेलॉसिटी होता है मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला एल वन टी माइनस वन पावर कितना आ गया बी नेक्स्ट है टाइम टाइम को हम कैपिटल टी से ही डिनोट करते हैं टी की पावर सी आ गया काफ़ी सिंपल है ये अब चलिए इस आगे बढ़ते हैं अपन एम की पावर वन अब यहां पर देखो एम की पावर वन इंटू ए मतलब एम की पावर ए आ गया इधर राइट एंड साइड में एल की पावर चलो एल की पावर ए एल की पावर बी यहाँ पर भी एल ना एल की पावर बी यहाँ पर एल की पावर ए तो ये सारे मल्टीप्लाई के अंदर है ना तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी एल तो की पावर ए प्लस बी आ गया ठीक है नेक्स्ट चलो टाइम पे चलते हैं टी की पावर माइनस टू ए टी की पावर माइनस बी एंड टी की पावर सी बेस सेम है मतलब टी सेम है सब में टी की पावर कितना आया माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी ये लो जी मतलब लेफ्ट हैंड साइड केवल एम वन है और राइट हैंड साइड भी एम रहा है एल रहा है टी रहा है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर केवल एम वन का मतलब क्या हुआ केवल एम वन का मीनिंग ये हुआ कि यहां पर एम की पावर वन है एल की पावर जीरो है और टी की पावर भी क्या है जीरो है ओके okay? टी की पावर भी यहाँ पर कितना है जीरो है पावर नहीं मतलब पावर जीरो होगा तो वैल्यू वन हो जाएगी सिंपल तो तभी तो एम वन बचा यहां पर तो अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर कर लो जैसे एम की पावर वहां वन है तो इसका मतलब यहां पर एम की पावर ए तो ए की वैल्यू एक्जैक्टली वन के बराबर आ गई यहां पर ठीक है ए की वैल्यू एक्टली exactly किसके बराबर आ गई ए इज इक्वल टू वन वन लिख दिया अब चलो नेक्स्ट चलो ए प्लस बी एल की पावर एल ए प्लस बी और यहां पर एल की पावर जीरो है इसका मतलब ए प्लस बी इज जीरो ना और ए इज इक्वल टू वन दैट मीनस बी इज इक्वल टू माइनस वन तो बी बराबर माइनस वन आ गया हमारे पास आया कि नहीं आया तो बी की वैल्यू माइनस वन आ गई चलिए नेक्स्ट चलो टी की पावर देखो टी की पावर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी यहाँ पे टी की पावर कितना है जीरो है इसका मतलब माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अब देखो ए की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की वन वन रख दो यहां पर तो माइनस का टू आ गया ये बी की वैल्यू कितनी माइनस वन है माइनस वन है ना तो माइनस माइनस सी प्लस हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो करेक्ट तो ए की वैल्यू वन रख दी मैंने तो माइनस टू बी की वैल्यू माइनस वन यहाँ रख दी तो प्लस वन तो माइनस टू प्लस वन माइनस का वन तो सी बराबर सी तो की वैल्यू वन ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू माइनस वन ये सारी वैल्यू इसमें रख दो ये जो मेन फॉर्मूला आपने लिया था ना स्टार्टिंग में इसमें रख दो तो रखोगे तो एफ की पावर ए की वैल्यू वन आई वी बी की पावर माइनस वन है एंड नेक्स्ट है सी टी की पावर सी सी की वैल्यू कितनी बेटा वन है तो ये वैल्यू आप देख लीजिए किसमें मैच कर रहा है ये वही हमारा आंसर हो जाएगा तो आंसर इज फोर्थ करेक्ट बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था तो ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस तो डायमेंशनल फॉर्मूला को डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे डील करना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अलावा इस पर कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्वांटिटी है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैंने बताया था ना शुरू में कि जो सिंपल पांडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है एल पर लेंथ पर ग्रेविटी पर बताइए जरा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या बनेगा है ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं ठीक है तो डायमेंशनल फॉर्मूला से आप ठीक है डिड्यूस कर सकते हो फॉर्मूला को राइट उसके अलावा ये फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में दे रखा हो कि ये क्वांटिटी है आ, उस क्वांटिटी को इन दूसरी क्वांटिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो अगर ये क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी में इंक्लूड कर लिया जाए इनको जैसे अभी हमने तीन क्वेश्चन किए ये है ना तो नीट में ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं इस टाइप के तो आप प्लीज़ इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना राइट अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस एफ एस एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मीनिंग है देखो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर तो एस एफ या सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग क्या है जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल हूं यहां पर जैसे आपके पास मीटर स्केल है एक स्केल है करेक्ट और बेटा इसमें एक आपके पास एक पेन है छोटा सा और इस पेन की आपको लेंथ मेजर करनी थी है ना और ये डिविजन्स हैं तो आपने जब पेन की लेंथ जब मेजर की तो लेंथ आ रही थी सपोज फोर पॉइंट 5 सेंटीमीटर ठीक है ना 4.5 सेंटीमीटर और ये 0.5 जो है ना एक्चुअली में 5 मिलीमीटर mm है इतना तो आप जानते हो तो ये 5 है और ये 6 है ये मिलीमीटर mm वाले डिवीजंस हैं तो 4.5 है इनके बीच में ये पेन आया सपोज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हल्का सा तो आपने इसमें 4.5 को सिलेक्ट कर लिया 4.5 को सिलेक्ट कर लिया तो इतना तो आप कह सकते हो ना आप आप रिलायबल कहां पे हो रिलायबल कहां तक हो फोर तक तो रिलायबल हो ना आप फोर पे तो रिलायबल हो कि नहीं हो बोलो फोर तो कंफर्म है लेकिन पॉइंट फाइव आएगा कि पॉइंट सिक्स आएगा ये थोड़ी अनसर्टेटी है इसके अंदर थोड़ा अनसर्टेन है ठीक है तो रिलायबल डिजिट और लास्ट जो अनसर्टेन डिजिट है है ना उसी को ही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा 4.5 है ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर फोर बी है और फाइव बी है क्लियर इस वे हम इनको ध्यान रखते हैं तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ना बेटा तो एस एफ को ध्यान रखना पड़ता है अपन को सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखना पड़ता है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं कई सारे ठीक है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए हम इस पार्ट को फटाफट कवर करते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं है ना कुछ रूल्स हैं बेटा और उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको एस एफ को बताना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना पड़ता है तो, तो रूल हम डिस्कस करते हैं एक एक करके आ, फर्स्ट रूल क्या है देखो, तो, दे सारे सारे, तो यहाँ सारे सारे तो पर एस एफ कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा वन टू थ्री फोर इसमें फोर एस एफ है इसमें कितने हैं थ्री एस एफ है, है. इसके अंदर कितने है? है. तो काफी सिंपल है फाइन करना अगर नॉन जीरो है तो सिंपल उनको नंबर काउंट कर लीजिए वही के के अंदर होगा ठीक ठीक है 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 नेक्स्ट देखो जीरो 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 बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ इट बिटवीन टू नॉन नॉन डिजिट्स डिजिट्स अगर अगर बीच में कहीं कहीं ना कही जीरो अगर आता डेसिमल भी आए कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल भी अगर आए तो भी वो जीरो थ्री आ गया पहले में पहले सेकंड में फोर आ गया है ना थर्ड में फाइव आ गया एसएफ नंबर ऑफ एसएफ जो है ठीक है तो काफी सिंपल है जीरो अगर बीच में आए चाहे डेसिमल आगे पीछे कहीं पे भी हो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है तो वो एसएफ के अंदर काउंट होता है बेटा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट जैसे ये 0.543 है देखो इसमें जीरो लीड कर रहा है है ना तो लीडिंग जीरो जो है वो उनको एस के अंदर कंसिडर नहीं करना है हमें ये ध्यान रखना है आपको जीरो पॉइंट फोर फाइव फाइव फोर थ्री में इस जीरो को एस के अंदर नहीं करना है 543 जो है वो एस के अंदर काउंट हो जाएगा मतलब कितने एस एफ हो गए थ्री जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव में देखो इसमें जीरो लीडिंग जीरो जो है उनको एस के अंदर काउंट नहीं करना है फोर एंड फाइव को एस के अंदर काउंट करना है कितना आ गया टू इसमें देखो जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो फाइव ये वाला जो जीरो है ना

ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल जैसे ये देखो ये तीन एग्जांपल दे एग्जाम्पल देखें बड़े सिंपल से देखो 4.330 है ना इसमें ट्रेलिंग जीरो दिख रहा है आपको ये वाला ये डेसिमल के बाद में है तो डेसिमल के अगर बाद में अगर कोई ट्रेलिंग जीरो आए आपको तो उसको एस के अंदर कंसिडर करना है तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे फोर थ्री थ्री एंड जीरो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे फोर करेक्ट एस एफ कितने 4 आगे फोर आगे नेक्स्ट देखो फोर फोर हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट जीरो डेसिमल के बाद में अगर ट्रेलिंग जीरो है तो एस एफ के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा आपको तो कितने आ आगे 1, 2, 3, 4, 5. तो फाइव आ गया नेक्स्ट में देखो टू जीरो बीच में नॉन जीरो के बीच में इसको कंसीडर करने करेंगे करेंगे अपन ये जीरो डेसिमल के बाद में इसको मतलब इसके इसको एसएफ के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा तो कितने आगे वन टू थ्री फोर तो फोर एसएफ एफ आगे क्लियर नेक्स्ट रूल पे चलते हैं बेटा टर्मिनल जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट अनशन नहीं कर रखा नहीं कर रखा हो तो यह ध्यान रखना ट्रेलिंग जीरो देखो यहाँ पर डेसिमल नहीं आना आया क्या नहीं आया ठीक है तो ये डेसीमल नहीं आया तो इस इन ट्रेलिंग जीरो तो पर केवल एस एफ क्या आएगा 5 आएगा मतलब 1 आएगा है 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 इन टू को SF के अंदर नहीं करना केवल आएंगे मतलब SF कितने आ जाएंगे टू. ठीक है? लेकिन अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा हो थ्री हंड्रेड वन हो सकता है टू नाइन नाइन हो सकता है ठीक है तो उस केस में ये जो है बेटा इनको SF के अंदर करना पड़ेगा तो इसके अंदर एस एफ कितने आ जाएंगे? थ्री आ जाएंगे थ्री जीरो जीरो नंबर ऑफ एस एफ कितने

नेक्स्ट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये ध्यान रखना अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको वैल्यू दे रखी हो तो आपको इस पे नहीं जाना है है ना ये यूनिट कन्वर्जन में हेल्पफुल होती है ये पार्ट तो इस पार्ट पे नहीं जाना है आपको आपको केवल इस न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाना है इसी से ही आपको एस एफ कंसिडर करना है एस एफ को कैलकुलेट करना है अब इनसे एस को कैसे कैलकुलेट करना है तो रूल्स हमने पढ़े थे पहले वाले उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए इनको देखना है जैसे नॉन जीरो है, भी कितने? 3 है। तो इनको ध्यान में रखते हुए बताने हैं नेक्स्ट रूल बेटा एग्जैक्ट नंबर आर आइदर डिफाइंड नंबर रिजल्ट ऑफ अकाउंट दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज दे आर रिलायबल यस ये बड़ा खास पॉइंट है देखो बेटा जैसे 50 स्टूडेंट्स आपको दे दिए अब 50 स्टूडेंट्स है वो तो कंफर्म ही पता है कि क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो फिफ्टी पॉइंट लास्ट में पॉइंट वन भी नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है कि कोई स्टूडेंट स्टूडेंट को पॉइंट पार्ट का बैठा है क्लास के अंदर ऐसा तो नहीं है ना वो तो काउंटिंग है एक सिंपल तो अगर आपको सिंपल काउंटिंग दे रखी है नंबर दे रखा है बेटा तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इनफाइनाइट है इनफाइनाइट क्यों क्योंकि आप इसको ऐसा ही तो लिखोगे फिफ्टी पॉइंट जीरो 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 चलता जाएगा इनफाइनाइट तक तब भी जीरो ही आएगा परफेक्ट नंबर है वो परफेक्ट नंबर है इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद में ट्रेलिंग जीरो जो है वो तो कंसिडर करते हैं एस एफ के अंदर तो नंबर ऑफ एस एफ कितने आएंगे इसके अंदर इनफाइनाइट ठीक है तो जैसे और एग्जाम्पल जैसे वन आर है वन आर फिक्स होता है फिक्स नंबर है सिक्सटी मिनट्स फिक्स है तो इनफाइनेट नंबर है किसी एक्सपेरिमेंट में कोई वैल्यू हमने की है फिक्स नंबर वाली तो वो उनके जो एस एफ होंगे या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो इनफाइनेट होंगे तो ये चीज बेटा हमें ध्यान रखनी है अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे इन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो देखो आपसे पूछा है कि ये नंबर्स हैं एक नंबर ये है एक ये नंबर है और एक ये नंबर है बताइए इनमें एस कितने हैं इसमें बताओ एस कितने हैं ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो इसका मतलब सारे के सारे एस ही होंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव तो पहले वाले में कितने आगे फाइव आ गए दूसरे में देखो जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री ये जो लीडिंग जीरोज हैं वो एस के अंदर काउंट नहीं होंगे लीडिंग जीरो चाहे डेसिमल के आगे हो चाहे पीछे हो एस के अंदर काउंट नहीं होंगे ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद में तो एस के अंदर काउंट होते हैं बेटा वो ठीक है तो ये इसमें केवल एस कितना आ गया वन आ गया थ्री के अकॉर्डिंग ये एक्सपेनेंट फॉर्म uh, में दे रखा है टेंट थ्री पावर माइनस थी इसको ध्यान नहीं रखना है केवल टू पॉइंट वन को ध्यान रखना है टू पॉइंट वन के अकॉर्डिंग एस एफ कितने आगे टू आगे नॉन जीरो दोनों दो तो इसका आंसर क्या जाएगा फाइव वन एंड टू तो ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट इस पे से चलिए नेक्स्ट चलते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट ओके तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ता है ठीक है राउंड ऑफ के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जैसे ये सेवन पॉइंट एट टू आई वैल्यू ठीक है सेवन पॉइंट एट टू वैल्यू आई और हमें पता है कि जो आंसर है वो केवल डेसिमल uh, के बाद में एक प्लेस तक ही वैलिड है

जो लास्ट वाली जो डिजिट दिख रही है आपको टू अगर ये फाइव से लेस है अगर ये फाइव से लेस है तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे को केवल लिख देंगे आप समझ बात अगेन देखो है इसको भी टू डिजिट तक ही आपको राउंड ऑफ करना है तो लास्ट डिजिट क्या है फौर है ना इस फोर ये फोर जो है फाइव से लेस है इसका मतलब थ्री पॉइंट नाइन तक ही रहने देना है इसको कुछ चेंज नहीं करना है काफी सिंपल है

प्लस वन कर देना है एक ऐड कर देना है तो वन सिक्स पॉइंट एट सेवन को सिक्स पॉइंट एट एट आप लिख दोगे काफी सिंपल है ट्वेल्व पॉइंट सेवन एट है इस, इसको थ्री डिजिट तक ही हमें आ, जो है राउंड ऑफ करना है तो अगेन आप देखो थ्री के बाद में फोर जो है वो एट आ, आ रहा है एट आ रहा है ना फाइव से ग्रेटर है तो आप क्या करोगे ट्वेल्व पॉइंट सेवन को ट्वेल्व पॉइंट एट लिख दोगे बोलो आई बात समझ में फाइव से ग्रेटर है तो आप प्रोसीडिंग जो डिजिट होगी ना उसमें प्लस वन कर दोगे

और फाइव के बाद में वन आ रहा है भाई ये तो क्लियर हो गया ना कि आगे अगर कोई डिजिट को देखना है five के बाद में आगे जो इसकी है, में वो अगर मान लीजिए कोई भी डिजिट हो वन हो टू हो थ्री हो कुछ भी हो तो आपको बिना सोचे समझे एक ऐड कर देना वन ऐड कर देना तो टू पॉइंट थ्री फाइव को आप क्या कर दोगे टू पॉइंट फोर कर दोगे नेक्स्ट क्या सिक्स पॉइंट सेवन फाइव एट है तो टू तक, तक करना था तो आगे 5 आ रहा है के आगे फ्रंट में कौन आ रहा तो है चलते बेटा इफ डिजिट टू बी ड्रॉप फाइव ठीक है ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है और फाइव फॉलोड बाई देन प्रोसीडिंग डिजिट इन लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन वो सेम केस है प्रीवियस वाला ये कह रहा है जैसे ये जो टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव जीरो राउंड ऑफ करना है थ्री डिजिट तक मतलब यहां तक करना है करेक्ट सॉरी राउंड ऑफ ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू के बाद में फाइव आ रहा है ठीक है फाइव आ रहा है अब फाइव आगे जीरो आ रहा है अभी तो हमने देख लिया था फाइव वन आ रहा हो तो क्या करना है टू को वन कर दो टू को थ्री कर दो अगर यहाँ पे जीरो की बजाय यहाँ पे थ्री आता तो भी ये टू कितना आ जाता थ्री आ जाता प्लस वन हो जाता ठीक है वो हमने देख लिया लेकिन अगर फाइव के बाद में जीरो आए और फाइव से जो पहले वाली डिजिट जो वो इवन नंबर है इवन है टू इवन है ना तो इवन अगर होना तो कोई चेंज नहीं करना है को एज इज रहने देना मतलब ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू आ गया इसमें भी देखो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फाइव जीरो है यहाँ पे जीरो आ रहा है और फिर फाइव से पहले कौन है सिक्स है इवन नंबर है ना तो कुछ चेंज नहीं करना है कर दो अगर प्रीवियस वाली वैल्यू अगर ऑड नंबर हो तो आपको प्लस वन कर देना है नेक्स्ट वाले रूल में यही है अगर ऑड नंबर थ्री पॉइंट सेवन फाइव जीरो जीरो आ रहा है इसको भी टू डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव है यहां पे फाइव आ रहा है यहां जीरो आ रहा है फाइव से पहले वाला कौन है सेवन है ना ऑड नंबर है थ्री पॉइंट एट कर दो ठीक है सिक्स पॉइंट वन फाइव जीरो है फाइव से पहले कौन है ऑड नंबर है सिक्स पॉइंट टू कर दो ठीक है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा काफी सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा एक्जाम्प के साथ ही हमने इनको डिस्कस कर लिया है एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें नेक्स्ट चलते हैं बेटा अब यहां पर ये राउंड ऑफ करना है अपटू फोर एस एफ फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो आप ये देखिए ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवन टू है फोर डिजिट तक मतलब यहां तक जाना है अपन को यहां कौन है टू है फाइव से लेस है कोई दिक्कत नहीं है तो इसको क्या लिखोगे ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवन ये तो से से तो मतलब यहां तक? यहां तक बाद में अगर कोई भी डिजिट आ रही है जीरो के अलावा वन टू थ्री फोर कुछ भी आ रहा है तो आपको क्या कर देना है इस फोर में प्लस वन रेज uh, कर देना है तो फोर पॉइंट टू थ्री फाइव आ गई वैल्यू और इंटू में टेंट दी पावर सिक्स है वो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो एज इज पड़ा रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा इज दट क्लियर नेक्स्ट देखो इसमें इसमें कह रहा है CGS, CGS है कन्वर्ट कन्वर्ट गिवन वैल्यूज इन में करना तो इसमेंट गावर माइनस टू मीटर है और वन मीटर सीजीएस में कन्वर्ट करें तो टेंट दी पावर माइनस टू सेंटीमीटर सॉरी टू टेंट दू सेंटीमीटर हो जाता है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप केवल पावर टू से ये कट गया देखो माइनस टू प्लस टू तो केवल फोर पॉइंट फाइव आ गया सेंटीमीटर तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी आप यूनिट में कन्वर्जन करो ना यूनिट में कन्वर्जन करो तो नंबर ऑफ एस एफ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए यहाँ पे एस एफ कितने फोर पॉइंट फाइव टू एस एफ है ना और यहां पे भी देखो फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टू एस एफ है तो एस एफ सेम रहना चाहिए अब जैसे ट्वेंटी फोर हंड्रेड है ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोग्राम है इसमें नंबर ऑफ एस एफ कितने है भाई। ट्रेलिंग जीरो जो है है, भाई, जो उनको SF के अंदर नहीं करेंगे। तो नंबर SF कितने टू है। तो तो कितने? को अगर आपको किलोग्राम में बदलना, ग्राम में ग्राम बदलना उट थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एस एफ कोई फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा अभी भी वैसा वैसा ही देखो मतलब टू एस एफ है इसके अंदर पहले भी टू एस एफ थे नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन तो अगर आप जब कैलकुलेशन करते हो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वाला पार्ट जब करते हो तो एसएफ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कुछ रूल्स हैं ठीक है थीके? उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें उनको सॉल्व करना होता है सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन सबट्रैक्शन की बेटा तो एडिशन सबट्रैक्शन अगर हो ठीक है तो एडिशन सबट्रैक्शन के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है जैसे एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं देखो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री में थ्री पॉइंट वन वन में जीरो पॉइंट थ्री वन थ्री को ऐड करना है ठीक है इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करना है पहले तो सिंपली आप जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर लो तो इनको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ रही है देखो 36.723 वैल्यू आई आ गई फिर ये देखो कि डेसिमल के बाद में डेसिमल के बाद में किस नंबर में जो है वो लेस प्रसाइज है लेस प्रसाइज का मतलब ये कि किसमें जैसे थर्टी थ्री पॉइंट तक जा रहा है है इसमें डेसिमल के बाद में टू प्लेस तक जा रहा है इसमें थ्री प्लेस तक जा रहा है कम नंबर होंगे ना उसी को ही कंसिडर करना है तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री में डेसिमल के बाद में केवल वन प्लेस तक ये आगे प्रोसीड कर रहा है इसका मतलब हमें जो आंसर है ना डेसिमल के बाद में एक ही प्लेस तक जाना है तो आया ना। देखो कितनी आई। और इसमें अब राउंड ऑफ करना बहुत जरूरी है जैसे टू आया है टू फाइव से लेस है तो आ, सेवन को सेवन ही रहने देना है। उसमें कोई बदलाव नहीं करना आंसर क्या जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन ओके अगर यहाँ पर थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन Uh, में अगर बेटा यहां पर टू uh, थ्री की बजाय आगे अगर सिक्स आता सपोज सिक्स आ, आ जाता तो आप थर्टी सिक्स सेवन को थर्टी सिक्स क्या लिख देते एट लिख देते प्लस वन रेज कर देते, बात? तो वहां पर का बेटा नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल थ्री पॉइंट वन फोर टू वन जीरो सम कर दिया ये वैल्यू आ गई आ गई थ्री पॉइंट फोर सेवन थ्री वन आ गई वैल्यू अब इसमें ये देखना डेसिमल के बाद में इसमें जीरो पॉइंट जीरो नाइन इसमें दो टू प्लेस तक जा रहा है इसमें थ्री प्लेस तक जा रहा है इसमें फोर प्लेस तक जा रहा है तो मिनिमम वाला देखना हमें तो केवल टू प्लेस तक ही हमें काउंट करना है डेसिमल के बाद में तो थ्री पॉइंट फोर सेवन आ गया यहां तक ही जाना है डेसिमल के बाद में दो प्लेस तक जाना है इस थ्री वन को रिमूव कर देना है अब ये फाइव से लेस है थ्री तो इसका मतलब सेवन को रेज करने की जरूरत नहीं है तो केवल आंसर क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट फोर सेवन ओके आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल से रूल है बेटा आ, यहां पर थर्ड एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन का भी इंक्लूड कर रखा है तो 62.831 में से माइनस ट्वेंटी को किया गया है मतलब इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हमारे पास वैल्यू एक तो सिंपल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए 38.2818 एट आ गए बेटा वैल्यू ठीक है ओके okay, ठीक है तो ये वैल्यू आ गई अब इसमें ये देखो कि डेसिमल के बाद में एट इसमें थ्री डिजिट्स हैं इसमें डेसिमल के बाद में फोर डिजिट्स हैं तो कम वाली डिजिट कौन सी ये वाली है ना मतलब डेसिमल के बाद में थ्री डिजिट तक ही हम जा सकते हैं तो आंसर क्या आएगा देखो थर्टी एट पॉइंट टू एट वन एट है ना इसमें यहां तक जाना है लेकिन राउंड ऑफ मतलब कर देना वन को तो वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी एट पॉइंट टू एट टू ये देखो ये रहा है ना इस वे से चलिए आगे चलते हैं हम अब हम मल्टीप्लीकेशन uh, और डिविजन में चलते हैं ये भी ध्यान रखना है देखो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो जो नंबर नंबर जिसमें SF, सबसे कम होंगे ना वाला होगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है हमें। जैसे देखो 142.06 आ आ इसमें फाइव एस एफ है इसमें कितने जीरो पॉइंट टू थ्री में इसमें टू एस एफ है क्योंकि लीडिंग जीरो

51.028 को 1.31 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ गई अब इसमें एस एफ कितने थ्री नजर आ रहे हैं इसमें एस एफ कितने फाइव नजर आ रहे हैं तो थ्री के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो 66.8 है 66.8 यहां तक थ्री आ गए डिजिट्स उसके बाद में एट के बाद में कौन है फोर है ना फोर है तो फाइव से लेस है इसका मतलब यही रहने दो सिक्सटी वैल्यू आ गई डिवीजन देख लो जीरो और नीचे है फोर पॉइंट में आ, कितने एस एफ टू है

ए क्वेश्चन है 5.7 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको डेंसिटी जो है वो करेक्ट एसएफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है राइट तो देखो ये वॉल्यूम आपको गिवन है मास आपको गिवन है ठीक है और डेंसिटी पूछी आपसे डेंसिटी का फार्मूला अपन जानते हैं डेंसिटी जो है डेंसिटी जो है बेटा वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है

टू इसमें कितने थ्री एन टू फाइव इसमें कितने थ्री एंड टू फाइव आंसर क्या आना चाहिए टू एस एफ आना चाहिए और वैल्यू में फोर 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 सब में आ रहा है इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा फोर पॉइंट एट सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं पड़ी देखो सिंपल हमने जज uh, कर लिया आंसर करेक्ट तो ये एस एफ वाला जो पार्ट है आपको शायद क्लियर हो गया होगा बेटा ठीक है तो सिग्निफिकेंट फिगर वाले पार्ट के अंदर हमसे सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के डिवीजन के तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनमें गलती नहीं करना बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे एरर की नेक्स्ट पार्ट है बेटा एरर जो इस टॉपिक का लास्ट uh, पार्ट है इससे आगे हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे वैसे इंस्ट्रूमेंट्स uh, के बारे में बस केवल इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसका वो डिस्कस करेंगे तो व्हाट इज एरर एरर क्या चीज है बेटा तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया जाता है कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है जो हम मेजर करते हैं और जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है उनमें जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर ठीक है जैसे ये आपके सामने पेन है और इस पेन की अगर मैं लेंथ मेजर करूँ ठीक है स्केल से अगर मैं मेजर करूँ ठीक है लेट से वैल्यू आ गई सिक्स सेंटीमीटर है ना लेकिन इसको जो ट्रू वैल्यू है जो एग्जैक्ट वैल्यू वो सिक्स पॉइंट सेवन या सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर है तो फिर ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी आएगी दैट इज कोल्ड एरर ठीक है तो कोई भी जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बेटा तो एरर आना आ, ये मान के चलो कि ऑब्वियस है एरर आता ही आता है मोस्ट ऑफ चांसेस में बेटा तो एरर में कई टाइप्स हैं जैसे सिस्टमेटिक एरर की बात करें हम सिस्टमेटिक एरर मतलब जिनका हमें कोज मालूम है है ना पता होता है हमें कि ये एरर आएगा या आएगा यहाँ पर अब जैसे आपके पास एक स्केल है ठीक है और स्केल मान लीजिए आगे से कट है वो है ना टूटा हुआ आगे से फ्रंट से और स्केल में जो स्टार्टिंग हो रही है सपोज़ आप देखना बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर जनरली स्केल जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ ये टू से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे थ्री है यहाँ पर ये फोर है ठीक है आगे चल रहा है ये फाइव है और फिर आप एक पेन की लेंथ मेजर कर रहे हो पेन मान लीजिए यहाँ तक है फोर तक जा रहा है ठीक है अब आपसे कोई कहे कि इस पेन की लेंथ कितनी है तो ये डिवाइस क्या कह रहा है फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिवाइस क्या कह रहा है ये डिवाइस कह रहा है कि लेंथ इसकी फोर सेंटीमीटर है ये ये मान लीजिए सेंटीमीटर में डिविजेंस तो ये डिवाइस क्या बता रहा है कि ये जो लेंथ है ये फोर सेंटीमीटर है लेकिन हमें तो पता लग रहा है कि यहाँ से ये टू से स्टार्ट हो रहा है ये जीरो वाला ज़ीरो वन वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं तो वैसे ही हमारे ब्रेन में ही हमारे आंसर आ गया कि यार ये फ़ोर है ये टू है तो आंसर डेफिनेटली टू सेंटीमीटर है बट ये डिवाइस क्या कह रहा है आपको डिवाइस ये कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी फोर सेंटीमीटर है है ना

ठीक है द टाइप्स ऑफ एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर बेटा उसके अलावा जैसे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो आप और उसमें पर्टिकुलर uh, टेम्परेचर पे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है आपको लेकिन आप ऐसे रूम के अंदर वो या ऐसी लैब के अंदर वो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसके अंदर वो टेम्परेचर है नहीं उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा है तो ऑब्वियली उसकी रीडिंग में इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है तो हमें पता है ऑलरेडी यार इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब रीडिंग में डेफिनेटली बेटा इफेक्ट पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज करके आ, उसमें आ, एरर जो है वो रिड्यूस कर सकते हो तो जो सिस्टमेटिक एरर है ना बेटा उनको रिड्यूस किया जा सकता है इजिली रिड्यूस किया जा सकता है ठीक है ठीक है तो इसमें जीरो एरर ही हमारे लिए मेनली काम का है इसको हम इंक्लूड करेंगे आगे आगे जा करके बाकी कुछ एरर्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें कोज पता नहीं होता जिसमें पता नहीं होता कि अपन को ये वैल्यू क्यों चेंज हुई वो हो सकता है कि इन्वायरमेंट में चेंज के कारण अचानक चेंज हुआ हो कुछ ह्यूमिडिटी में अचानक चेंज हुआ हो टेम्परेचर में अचानक चेंज हो गया हो ठीक है कॉज तो कुछ ना कुछ होता है लेकिन उनका हमें रीजन पता नहीं होता उस इंस्टेंट पे हम नहीं बता सकते यार कि वो ह्यूमिडिटी के कारण चेंज हुआ है या टेम्परेचर के कारण चेंज हुआ है राइट कुछ ऐसे एरर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड रैंडम एरर्स और रैंडम एरर्स मोस्टली हर एक्सपेरिमेंट में हमें मिलते हैं देखने को जैसे एक सिंपल पैंडुलम है आपने उसको डिफ्लेक्ट करके छोड़ा वो ऑसिलेट हो रहा है राइट है ना तो आपने एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल लिया ठीक है पहली बार उसको नोट डाउन किया मान लीजिए एक ऑसिलेशन में टाइम लगा लेट से टाइम इज टू पॉइंट वन सेकेंड सपोज टू पॉइंट वन सेकेंड लगा फिर नेक्स्ट अगला अगली बार वो आपने और उसमें uh, जो है रिपीटेशन किया तो अब जो टाइम लगा वो टू पॉइंट टू लगा फिर नेक्स्ट किया फिर वापस टू पॉइंट वन लगा तो रीडिंग्स में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं इन फ्लक्चुएशन का एक्चुअल कोज पता नहीं है हमें क्या है तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं है ना रिपीटेशन लेते हैं कई बार उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है एक टेबल बनाते हैं हम है ना और उसमें कई सारी रीडिंग्स लेते हैं और रीडिंग्स लेने के बाद उन रीडिंग्स की सबकी एवरेज वैल्यू लेते हैं ठीक है एवरेज वैल्यू लेकर के उस एरर को रिड्यूस किया जा सकता है काफी आ, मतलब काफी कुछ कंडीशन में ठीक है जैसे देखो रैंडम एरर रैंडम एरर्स एर एरर्स आर ड्यू टू एंड आर एज़ एरर्स उनका कोज एक्चुअली में मालूम नहीं होता हमें तो इनको रिड्यूस कैसे किया जाता है आप उनकी मीन वैल्यू ले लोगे जैसे देखो एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फिर दूसरी बार किया फिर तीसरी बार किया है ना कई बार आप आप टाइम्स उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे और सबका सम कर देना आपको करके और फिर जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ना है ना उस नंबर से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी एवरेज वैल्यू आ जाएगी या उसको आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो ठीक है दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू ठीक है इसको आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो बेटा या मीन वैल्यू भी बोल सकते हो तो जैसे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सिंपल पेटर्म के साथ पहला टाइम पीरियड आया टू पॉइंट वन सेकंड फिर दूसरा आया टू पॉइंट टू फिर तीसरा आया टू पॉइंट थ्री है ना ऐसे कई बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन वैल्यूज को आप यहां रखोगे ठीक है और जैसे मान लीजिए आपने फाइव टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो ये जो भी नंबर है इनको एड करके और फाइव से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू तो इस केस में हम काफी हद तक जो है वो एरर uh, को रिड्यूस कर सकते हैं ओके okay? चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है अगर आपको वैल्यूज दे रखी हो तो आपको मीन वैल्यू निकाल लेनी है ठीक है उसके बाद उसके बाद बात करें बेटा एब्सोल्यूट uh, एरर की डेल्टा ए बार उसके बाद क्या करना है जो मीन वैल्यू आएगी या जो ट्रू वैल्यू आएगी ना उस ट्रू वैल्यू में से या उस ट्रू वैल्यू को फर्स्ट जो रीडिंग आई आई है जैसे तो A1 में से AM को कर देना है मोड ले लेना है मोड मतलब वैल्यू अगर नेगेटिव भी आई तो उसको पॉजिटिव में लिख देना है सेकेंड वैल्यू को भी ऐसे ही डील करना है ठीक है ए टू में से जो ट्रू वैल्यू है ना उसको सब्टेक्ट कर देना है ए थ्री में से एम को सबटेक्ट कर देना ऐसे ही एन टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो में से AM को कर देना है ठीक है 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 ये 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 जो जो वैल्यूज आ रही ना ना एक्चुअली में ट्रू वैल्यू ही है। और ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपने लिया है उसमें जो वैल्यू आई आपके पास A1, A1 को आपने सब किया तो ये एरर आ गया फर्स्ट वाली वैल्यू में एरर आ गया ये सेकंड वाली वैल्यू में एरर आ गया ए टू में से एम को सब्टेट कर दिया तो सेकंड वाली वैल्यू में एरर आ गया सेकंड ऑब्जर्वेशन में बेटा ऐसे जो एन एथ ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जो एरर है वो एन एथ ऑब्जर्वेशन जो रीडिंग ली है उसमें से मीन वैल्यू को सप्रेट कर दिया तो एन एथ ऑब्जर्वेश में एरर आ गया तो जितने भी आपने रीडिंग्स लिया उनमें सब में एरर्स आ चुके हैं अब क्या करोगे आप सभी एरर्स को दीज आर कोल्ड एब्सोल्यूट एरर दीज आर कोल्ड एब्सोल्यूट एरर अब इन एब्सोल्यूट एरर को सबका सम कर देना है और ऑब्बियसली अगर आपने एन टाइम्स आपने ऑब्जर्वेशन लिया तो एन टाइम्स आपके पास ये एरर आएंगे ठीक है और उन एरर्स को आपको मोड लेकर के या जो भी मोडलेस में लिया ही था पहले इनका सम करके वही एन से डिवाइड कर दो कि तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर तो इसमें एक तो ये वाली क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है ए एम जो ट्रू वैल्यू है और एक मीन एब्सोल्यूट एरर ये वाली क्वांटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो एक तो ए एम मतलब ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू उसको निकालना है एंड सेकंड आपको जो एरर्स आए ना उनकी मीन वैल्यू निकालनी है दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर और फिर जो रीडिंग है उसको रीडिंग को लिखते कैसे हैं अपन लिखने का वे क्या है जो फिजिकल क्वांटिटी है ना ए ए को हम लिखते हैं ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बार ये है बेटा लिखने का वे ठीक है जैसे आपने मान लीजिए पेन की लेंथ मेजर की तो ए एम जो है उसकी जो मीन वैल्यू आई है ना मान लीजिए वो है सिक्स पॉइंट थ्री सेंटीमीटर में और उसमें जो एरर आया है वो सपोज आया है, का. इसका मतलब जो इसकी जो लेंथ है ना वो मतलब एक्चुअली बार अगर आप प्लस वन ले लोगे मतलब तो प्लस जीरो तो ए की वैल्यू कितनी आएगी सिक्स कि पॉइंट फोर आएगी एक बार अगर आप पॉइंट माइनस का वन ले लोगे तो उसमें वैल्यू कितनी आएगी सिक्स पॉइंट थ्री माइनस वन सिक्स टू इसका जो ए है ना ए वो ए बेटा सिक्स पॉइंट टू से लेकर के 6.4 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू इसका मीनिंग ये है जो ए है ना जो लेंथ है वो 6.2 से लेकर के के 6.4 बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है इस रेंज से बाहर वैल्यू नहीं जाएगी अंडरस्टूड इस रेंज से वैल्यू बाहर नहीं जाएगी बेटा तो ये वे होता है लिखने का इसको आपको ध्यान रखना है और उसके अलावा इसमें आगे बढ़े अपन उसके अलावा देखो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर रेलेटिवि एरर जब आपको फाइंड आउट करना है रेलेटिवली एरर कितना ज़्यादा है तो डेल्टा ए बार जो एरर आया था एब्सोल्यूट एरर उसमें ए एम जो ट्रू वैल्यू उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा या रेलेटिव एरर आ जाएगा बेटा और अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो आप इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा ओके okay? सिंपल सा केस था ये ये आपको ध्यान रखना है लीस्ट काउंट की बात करें बेटा लीस्ट काउंट एरर जब भी किसी डिवाइस से आप मेजर करते हो ठीक है और अगर आपको एरर गिवन ना हो अगर आपको एरर गिवन ना हो तो लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ही आपको एरर को डिफाइन करना है जैसे स्केल है अब स्केल में सिंपल जो मीटर स्केल होता है जो आप स्केल यूज करते हो उसमें मिनिमम वैल्यू आप जानते हो वन एम एम तक आप मेजर कर सकते हो वन एम एम से छोटा मेजर नहीं कर सकते आप ठीक है उसका लीस्ट काउंट वन एम एम होता है जैसे ये जीरोना ये 1, है टू ये सेंटीमीटर ये में है इनके बीच में एम एम डिविजन होते हैं मिलीमीटर डिविजन होते हैं बेटा इस टाइप से ये वन एम एम का होता है वन एम एम लीस्ट काउंट होता है सिंपल मीटर स्केल का और आपके पास अगर एक पेन है और पेन की लेंथ आपने लिखी है फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसका मतलब लास्ट वाले जो डिजिट है वो अनसर्टेन है तो इसमें एरर जो आ सकता है जीरो पॉइंट वन का आ सकता है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर यह लीस्ट काउंट वाला एरर है तो कई बार एरर हमें गिवन नहीं होता है दिया नहीं होता है तो ये ध्यान रखना कि जो लीस्ट काउंट वाला जो एरर है ना उसी को ही कंसीडर करना होता है अपन को करेक्ट सो लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिजोल्यूशन मतलब मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है बेटा उसके अकॉर्डिंग अपन को वैल्यू दी होती है ठीक है जैसे आपको टाइम दिया हुआ है कि आप एक रिस्ट वॉच से टाइम मेजर कर रहे हो रिस्ट वॉच जो है आपके पास उसमें मिनिमम टाइम सेकंड का होता है है ना सिर्फ फोर्टी फाइव सेकेंड आ गए टाइम फोर्टी फाइव सेकेंड है तो इसमें एरर कितना हो सकता है फोर्टी फाइव प्लस माइनस वन वन सेकेंड ऑब्वियसली फोर्टी फाइव भी हो सकता है फोर्टी फोर भी हो सकता है फोर्टी सिक्स भी हो सकता है प्लस माइनस वन आगे पीछे हो सकता है एक सेकंड एक सेकंड का डिफरेंस हो सकता है तो ये एरर जो है वो लिस्ट काउंट वाला एरर है करेक्ट चलिए आगे चलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जैसे आपको एक रिलेशन दे रखा है एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस बी ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा कोई रिलेशन है Uh, जैसे एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू है ठीक है ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है इस लेंथ में कुछ एरर है एल टू में भी कुछ एरर है लेकिन आपको एल वन प्लस एल टू फाइन करना है इसका मतलब यहां पर दोनों में एरर है तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा जो एल आएगा उस एल में भी तो कुछ ना कुछ एरर होगा ना है ना सो so, हम अब डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स तो अगर आपको समीशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कोई रिलेशन गिवन हो

यहाँ पे प्लस है यहां पे केवल प्लस है ध्यान रखना, क्योंकि हम जब भी एरर फाइन करते हैं, एरर करते हैं। एरर कितना हो है? तो जब भी हम करते हैं तो कितना हो सकता है इतना हो सकता है इससे बाहर तो नहीं जाएगी ना रेंज बस तो वो मैक्सिमम एरर के लिए हम प्लस यूज करेंगे बेटा यहां पर तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा भी ओके ये चीज हमें ध्यान रखनी तो अगर आपको अगर आपको समीशन या सब्ट्रक्शन की फॉर्म में दे रखा हो चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो लेकिन जो एक्स में जो एरर आएगा ना उसमें आपको सिंपली ऐसा ही लिखना है डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस यहाँ पे लगाना चाहो प्लस माइनस तो लगा दो नहीं तो अंडरस्टूड होता ही है डेल्टा ए प्लस डेल्टा भी दोनों में जो एरर है ना उन एरर को एड करके इसमें एरर फाइंड कर सकते हो अब जैसे इसमें आपको फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है फ्रैक्शनल एरर तो फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड करोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा एक्स द एरर इन एक्स और एक्स जो ट्रू वैल्यू है तो ये आ जाएगा ऊपर डेल्टा ए प्लस डेल्टा भी और नीचे अपॉन में जैसे एक्स बराबर ए प्लस बी तो ए प्लस भी आ जाएगा अगर एक्स बराबर ए माइनस भी है तो ए माइनस भी आ जाएगा जो भी रखना वो रख दो और परसेंटेज एरर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है हंड्रेड से इधर भी हंड्रेड इधर भी हंड्रेड ठीक है तो इस वे से आप इसको सोल्व कर सकते हो बेटा नेक्स्ट देखो एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में दे रखा हो जैसे एक्स बराबर ए इंटू बी है जैसे मान लीजिए आपको लेंथ एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल की लेंथ एंड विथ बी ए में कुछ एरर है बी में कुछ एरर है बताइए जरा एरिया में कितना एरर होगा तो एरिया में पता है लेंथ इंटू विथ होता है तो अगर इस टाइप से कोई रिलेशन आपके पास है तो आपको क्या करना है ये रिलेटिव एरर है या फ्रैक्शनल एरर है डायरेक्ट तो आप ध्यान रखें डेल्टा एक्स बाय एक्स सिंपल आप लिख सकते हो ए की पावर वन है यहाँ पर बी की पावर भी वन है देखो है ना तो क्या करना है यहाँ पर जो पावर है ना पावर आगे आ जाएगी फ्रंट में वन आगे आ गया बी 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 की पावर वन बी की पावर वन आगे आ जाएगा और फिर यहां पे प्लस यूज कर लेना है तो डेल्टा ए अपॉन ठीक है भाई डेल्टा एक्स बाय एक्स फाइंड करना आपको फ्रैक्शनल एरर बराबर डेल्टा ए बाई ए लिख देना है प्लस डेल्टा बी बाई बी लिख देना है यहां पे प्लस लगा देना है अगर डिवीजन में भी हो ना जैसे ए बाई बी है ए बाई बी को क्या लिख सकते हो आप ए की पावर वन बी की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई में आ गया तो ये पावर वन आगे आ गया जाएगा इसका पावर माइनस वन आगे आएगा यहां पर लेकिन हमें एरर मैक्सिमम लेना है बेटा जिसको क्या लिखोगे देखो डेल्टा ए बाई ए मैं बताता हूं देखो प्लस या माइनस लिख दो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है माइनस लिखो पहले माइनस ये पावर है ना ये आगे आ जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई बी लिख दिया अब बेटा डेल्टा बी जो है वो एरर इन बी है वो एरर इन बी है वो वो माइनस भी तो हो सकता है डेल्टा ए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है डेल्टा बी जो एरर इन बी वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर नेगेटिव हो गया तो फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा ना इसलिए हमें यहां पर प्लस ही रखना है तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इस फॉर्मेट में है तो हमें इस तरीके से डील करना है तो डिवीजन में भी हो तो भी वो प्लस साइन आ जाएगा करेक्ट ये फ्रैक्शनल एरर में हमने इसको लिख दिया बेटा अगर पावर दे रखी हो आपको इस टाइप से ए की पावर एन बी की पावर एम uh, डिवाइड में जैसे ए की पावर एन बी की पावर माइनस एम आ जाएगा आ गया पावर आगे फ्रंट में ले आओ तो एन आगे आ गया फिर लिख दो डेल्टा ए बाई ए सिंपल लिख दिया सिमिलरली फिर बी वाले पार्ट को डील करो पावर आगे ले आओ ले आए फिर यहाँ पे क्या जाएगा डेल्टा बी बाय बी ये पावर माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा भी नेगेटिव नेगेटिव भी प्लस हो सकता है तो ये प्लस लिख दो यहाँ पर पावर नेगेटिव भी है तो भी इसको प्लस लिख दो बस खत्म ये वैल्यू आ गई और इसको आप लिख दोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स ठीक है तो ये काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है इस तरीके से बेटा आप डील कर सकते हो जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल ओढ़ लूँ देखो जैसे आपको एक्स दे रखा है ए की पावर एन है ना बी की पावर एम सी की पावर चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पी लिख देता हूँ चलो अब बताइए फ्रैक्शनल एरर इन एक्स क्या आएगा तो आप इसको कैसे लिखोगे देखो इसको लिखोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स बराबर इसको ऊपर ले जाओ पावर को आगे रख दो सबसे पहले एक को पावर कितना है ना तो पी आ गया जाएगा, डेल्टा सी सी। आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आप सबके साथ हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड हंड्रेड हंड्रेड्रेड सबके साथ हंड्रेडी मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो परसेंटेज में एडेड आ जाएगा करेक्ट बेटा अब जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको ठीक है एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से देखो द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ फियर इज जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ये कह रहा है कि रेडियस में जब आप एरर नोट डाउन करते हो तो वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है इसका मतलब रेडियस मान लीजिए आर है इस की तो ये आर में परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा आर बाय आर दे रखा है आपको डेल्टा डेल्टा आर बाय आर इंटू हंड्रेड दे रखा था सॉरी ये कितना है जीरो पॉइंट फाइव है ये वैल्यू आपको दे रखी है बेटा इसमें और आपसे पूछा वर्ट इज द

रिमूव कर दो सीधा सीधा आर स्क्वेर आ गया आर स्क्वेयर मतलब आर की पावर टूर टू पावर आ गया आ जाएगा टू डेल्टा आर आर अब हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दू अगर मैं तो ये परसेंटेज आ जाएगा बोलो तो डेल्टा आर बाय आर इंटू हंड्रेड आपको कितना गिवन है जीरो पॉइंट फाइव यहां रख दोगे तो जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू मतलब वन परसेंट आ जाएगा तो एरिया के अंदर वन परसेंट आ गया वॉल्यूम का पूछे तो स्फीयर का हम जानते हैं फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है तो बेटा डेल्टा वी बाय वी फोर बाई थ्री पाई कॉन्स्टेंट है हटा दो आर क्यूब है तो पावर थ्री आगे आ गया जाएगा थ्री डेल्टा आर बाय आर इन टू हंड्रेड अगर आपको परसेंटेजिए इधर भी हंड्रेड आ जाएगा तो ये वॉल्यूम में परसेंटेज एरर है ये रेडियस में परसेंटेज एरर कितना है जीरो पॉइंट फाइव है यहां रखोगे तो वन पॉइंट फाइव परसेंट आ जाएगा वैल्यू ठीक है नेक्स्ट चलते हैं चलो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल टी अच्छा टी का ये फॉर्मुला हमें गिवन है एल इज अबाउट टेन सेंटीमीटर यह कह रहा है कि एल की जो वैल्यू टेन सेंटीमीटर है एंड इज नॉन टू वन एम एम एक्यूरेसी ओके मतलब इसमें एक्यूरेसी वन एम एम की है मतलब इसमें अनसर्टेंटी वन एम एम की है मतलब इसमें एरर mm है मतलब जो एल है ना वो एक्चुअल में ये है देखो टेन सेंटीमीटर प्लस माइनस वन एम एम वन एम एम का इसमें एरर है बेटा एल के अंदर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड ठीक है जो कैपिटल टी है ना वो जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड है टाइम ऑफ हंड्रेड ऑसिलेशन इज मेजर्ड ऑसिलेशन का टाइम जो वो है है वो कैपिटल टी टाइम ऑफ सिंगल ऑसिलेशन इज कैपिटल टी एंड फॉर एंड्रेड ऑसिलेशन टाइम इज द टाइम ऑफ द हंड्रेड ऑसिलेशन मेजर विद रिस्ट वॉच ऑफ वन सेकेंड रेजोल्यूशन वट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी आपको जी में

ठीक है, ऑसिलेशन ऑसिलेशन का। का मान लीजिए टी में रख दूंगा और हमें जी की वैल्यू निकालनी यहां से तो जी की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं देखो मैं करता हूं देखो देखिए यहां से बेटा इस टी को रख दूंगा मैं टी बाय्रेड है हाँ है ना T by 100 रखा जा सकता लेकिन अभी तो चलो रहने दो यहाँ पर यहां पर देखते हैं पहले सबसे पहले तो ये जी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी कि देखो जी इज इक्वल टू यह जी की वैल्यू आ चुकी है फोर पाई स्क्र एल ओवर टी स्क्टेंट मीनिंग लेस है कोई मतलब नहीं हटा दो इसको अब इसमें परसेंटेज एरर की बात करें तो कितना आएगा देखो ये आ जाएगा बेटा डेल्टा जी बाय जी इंटू हंड्रेड डायरेक्ट हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दूं बराबर फोर पाई स्कॉन्टेंट है रिमूव कर दिया डायरेक्ट एल आ रहा है डेल्टा एल बाई एल इंटू हंड्रेड फिर टी स्केर ऊपर लेके जाओ टी की पावर माइनस टू पावर आ गया जाएगा प्लस ले लेंगे अपन टू डेल्टा टी बाई टी इंटू हंड्रेड आ गया अच्छा हमें कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है देखो लेकिन डेल्टा टी गिवन नहीं है डेल्टा टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब वो कैसे देखो मैं बताऊं ये जो टी बराबर हंड्रेड टी दे रखा है ना आपको है ना इसको डिफ्रेंशियट कर दो ठीक है इसको अगर मैं डिफ्रेंशियट करूं तो मैं यहां पर यहां पर चाहे तो टी की वैल्यू जो है या जो ये वाली वैल्यू हमने लिखी ये एल बाई टी स्क्वेयेर इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना देखना कैपिटल टी इक्वल्स टू टी बाई हंड्रेड लिख सकता हूं मैं इसको तो इस रिलेशन को फिर थोड़ा और सिंपल कर लें हम डायरेक्ट कर दें देखो ताकि थोड़ा इजी लगे आपको कैपिटल टी की वैल्यू टी बाय हंड्रेड आ जाएगा तो ये वैल्यू यहां रख सकता हूं मैं तो जी बराबर हमारे पास कितना आया देखो फोर पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी बाय बाय्रेड टी बाय्रेड हंड्रेड ऊपर चला जाएगा तो टी स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर मतलब टेन की पावर फोर आ गया अब इसको उस फॉर्मेट में लिख दो उस फॉर्मेट में लिखें तो देखो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल टू हंड्रेड प्लस टेन की पावर फोर ये भी कांस्टेंट हट जाएगा टी स्क्र है तो ये आ जाएगा आगे टू पावर टू आगे जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू हंड्रेड अब ठीक है ये वैल्यू आगे देखो और टी को अपन क्या लिख सकते हैं हंड्रेड इंटू टी लिख सकते हैं टी को हम हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू टी लिख सकते हैं बेटा राइट अच्छा डेल्टा टी क्या है देखो टी आपने हंड्रेड ऑसिलेशन का टाइम नोट किया और उसमें जो एरर है वो वन सेकंड का एरर है इसका डेल्टा टी जो है ना डेल्टा टी, दैट इज़ अब इसको आप सोल्व कर सकते हो बेटा अब ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं इसको देता है यहाँ पर। तो जीरो पॉइंट कि वन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर बेटा ये सही है आ, एल की वैल्यू टेन सेंटीमीटर है यूनिट सेम रखना और इनटू में हंड्रेड प्लस टू डेल्टा टी कितना है लिस्ट ठीक है ये टेन से टेन जीरो पॉइंट वन इंटू टेन कितना आ गया यहां से वन आ गया ये और इसमें देखो तो ये टेन uh, ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा फोर फोर एंड वन कितना आगे 5. तो 5%. तो आंसर वैल्यू कितनी आ गई फाइव परसेंट आगे ऐसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी बेटा तो थोड़ा सा ध्यान से रखना तो अगर आपको एक्यूरेसी दे रखी हो ऐसे वर्डिंग दे रखी हो तो आप समझ जाना रेजोल्यूशन दे रखा हो इसका मतलब वो एरर है उसके अंदर ठीक है जो एरर दे रखा लिस्ट काउंट वाला एरर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं

नेक्स्ट चलिए प्लस बी की पावर टू टू आगे फ्रंट में आ जाएगा टू डेल्टा बी बाई बी इन टू हंड्रेड सी को ऊपर लेके जाओगे सी की पावर माइनस वन माइनस वन आगे आएगा लेकिन हमें प्लस में रखना है प्लस वन डेल्टा सी बाई सी इन टू हंड्रेड प्लस नेक्स्ट डी है ना डी की पावर माइनस वन आगे आएगा पावर लेकिन वो प्लस हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी इंटू हंड्रेड ये लो बेटा वैल्यू आ गई अब ये कह रहा है कि ए, ए बी, सी एंड डी में जो 1%, 2%, 3%, 4 है। है, 3 में परसेंटेज परसेंटेज एरर एरर जो है, है? ठीक ना ये? कितना है, 1 है तो 1 रख दो प्लस बी में परसेंटेज एरर देखो कितना आ गया प्लस टू इंटू टू फोर प्लस थ्री तो तो प्लस फोर तो गया सेवन आ, फोर प्लस थ्री सेवन प्लस थ्री टेन प्लस फोर मतलब फोर्टीन परसेंट तो आंसर है फोर्टीन परसेंट थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बेटा ठीक है